Thank you. Takk fyrir að hlusta. हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाइए फटाफट वेट कर रहे हैं हम हम आप लोगों का और जो बच्चे अभी ऑनलाइन आ गए हैं वो एक बार इस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अभी लाइव आ जाएं कीजिए फ़टाफट शेयर फटाफट कीजिए और कैसे चल रही है आप लोगों की अभी तैयारी रजनीश गोस्वामी पढ़ा बेटे खुश रहो बेटे खुश रहो अमरचंद बिजानिया विकास कुमार यादव गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग और फटाफट शेयर कीजिए आवाज तो आ रही है ना एक बार आवाज चेक कर लीजिए एक बार यस लिख के भेज दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आवाज सही आ रही है फटाफट बताइए और शेयर कीजिए लिंक को और आप में से जो जो ए, फेबलस एकेडमी के ऐप पे टेस्ट दे रहे हैं वो भी एक बार ये लिख के भेज दीजिए और जो बच्चे अभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो बेटा टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एयरफोर्स नेवी का जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे टेस्ट के माध्यम से उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है ठीक है थ्योरी क्लास जो है आप कंसेप्ट जो हैं वो पढ़ लेते हैं लेकिन आप टेस्ट नहीं देते टाइम पे रेगुलरली तो टेस्ट स्पीड जो है वो बढ़ानी बहुत ज़रूरी है और उसका एकमात्र विकल्प है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना टेस्ट देना तो जितने ज़्यादा हो सके बेटा आप टेस्ट दिया करो तो आवाज आ रही है एकदम क्लियर ठीक है और शेयर कीजिए फटाफट शेयर कीजिए लिंक को कीजिए फटाफट कीजिए ठीक है दोस्तों तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं माइनर टेस्ट एट का लाइव डिस्कशन ठीक है और ये अपना एयरफोर्स नेवी के लिए फेवलस एकेडमी का मिशन तेजस चल रहा है उस मिशन तेजस के तहत आपको 90 डेज में एयरफोर्स नेवी की तैयारी करवाई जा रही है ठीक है दोस्तों तो हमारे मिशन तेजस का जो हमारा मिशन है वो मिशन ये है कि आप लोगों का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो तो आप लोगों का दोस्तों ये मिशन होना चाहिए कि मुझे भी किसी भी कीमत पर एयरफोर्स नेवी में सिलेक्ट होना है और इसके लिए आप नए आ रहे हैं वो एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली जो वीडियो जाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ठीक है और जिन बच्चों ने अभी टेस्ट नहीं दिया दोस्तों ये जो टाइम अभी भी आपके पास अवेलेबल है तो इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए और फेबर के ऐप को डाउनलोड कीजिए राइट नाउ और टेस्ट देने स्टार्ट कीजिए और शेयर कीजिए फटाफट लाइव क्लास को फटाफट कीजिए शेयर स्टार्ट करें तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है तो वो अपने जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कीजिएगा ठीक है और हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करना ताकि पता रहे कि अपना लेवल जो है वो दूसरे बच्चों के रिस्पेक्ट में क्या है रजनीश गोस्वामी बारजा में भी दे रहा हूँ सर टेस्ट बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे और अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए टेस्ट देने के लिए ताकि देखो फायदा हो आप लोगों का हमारा अल्टीमेट एम यही है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाए एग्जाम तक तो इसके लिए आप हमे, हमें हमें हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिए ठीक है, है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं लाइव डिस्कशन माइनर टेस्ट एट का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि एफ एक्स आपको दे रखा है एक फलन है एफ एक्स और वो फलन है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स का प्रांत ज्ञात कीजिए अपने को डोमेन प्रांत पता करना है फाइंड डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन इस फलन का प्रांत ज्ञात करना है आंसर होता है फटाफट क्या आंसर आ रहा है जल्दी से आंसर अमन चौबे सर दे रहा टेस्ट बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे और आप मेहनत करते रहो कंटिन्यूसली ठीक है चलिए क्या रहा प्रांत तो दोस्तों मैं यहां पर आपको पहले भी बता चुका हूं फलन वाला जो चैप्टर है वो आपकी कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक से लिंक बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो ये अपने एयरफोर्स नेवी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके हर बार पूछे भी जाते हैं ठीक है चलिए ऑप्शन ए आर अब बता रहा है चलिए क्या ऑप्शन आ रहा है करें तो देखो दोस्तों आपको कंसेप्ट बतातेप्ट क्या है और इस कंसेप्ट को आप दिमाग के अंदर बिठा लीजिए कि अगर आपको और हर के में आपको कोई परिमेय फलन दिया जाए कोई रेशनल फंक्शन आपको दिया जाए तो उस रेशनल फंक्शन का डोमेन अब डोमेन क्या होता है तो डोमेन वो होता है जहां पर दिया गया फलन जो है वो हमेशा परिभाषित होता है क्या होता है एक्स के वे मान जहां पर दिया गया फलन हमेशा परिभाषित हो वही मान उसका डोमेन कहलाते हैं ठीक है तो देखिए पहला कंसेप्ट है कि एफ एक्स बटा जी एक्स आ जाए यानी कि रेशनल फंक्शन आ जाए तो ये डिफाइंड कब होगा जब जी एक्स यानी कि हर की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि पूरी मैथमेटिक्स के अंदर हर का मान जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए जहां पर हर जीरो है वहां पर दिया गया फलन आपका ए परिभाषित हो जाएगा ठीक है बीजानिया बता रहे हैं सी ऑप्शन चलिए देखते हैं तो करें अब क्लियर हो गया होगा तो यहां पर हर का मान क्या नहीं होना चाहिए जीरो बस कंसेप्ट खत्म जीरो नहीं होना चाहिए अब देख लो इस द्विघात समीकरण का मान कहां कहां जीरो हो रहा है तो सबसे पहले आप इसके कीजिए गुणनखंड गुणनखंड करोगे तभी पता चलेगा तो ये आ गया 2x प्लस का 3x एक्स और प्लस सिक्स नोट इक्वल टू जीरो से एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस टू थ्री कॉमन लिया तो एक्स प्लस टू नोट इक्वल टू जीरो यहां से एक्स प्लस टू कॉमन आ गया तो बच गया एक्स प्लस थ्री यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा और शेयर कीजिए फटाफट इस लिंक को ठीक है चलिए तो अब देखिए यहां x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए माइनस का टू नहीं होना चाहिए और यहां से माइनस का थ्री नहीं होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए दो मान जो है माइनस टू और माइनस थ्री आपके नहीं होने चाहिए बाकी कोई भी वैल्यू ये फलन हमेशा डिफाइंड होगा बाकी किसी भी वैल्यू पे ये जो फंक्शन है हमेशा क्या होगा डिफाइंड किसको छोड़ के माइनस थ्री और माइनस टू को ठीक है चलिए माइनस तो टू और माइनस थ्री को छोड़ दिया जाए तो पूरी वैल्यू क्या होती है आर तो आर में से माइनस का टू और माइनस का थ्री को क्या कर दो बाहर करते हैं आपका क्या जाएगा आंसर तो ये ऑप्शन ऑप्शन ऐसा सी यहां पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ठीक है चलिए बेटा लिंक को शेयर कीजिए फटाफट और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाए जो बच्चे अभी नहीं आए और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो एक बार फिबल अकेडमी के ऐप को सब्सक्राइब उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए ठीक ठीक है है अभी के अभी के देख रहे हैं और एक आने चाहिए। है? आके करते हैं और लाइक चाहिए चलिए करते नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन क्या है कि लोग वाले जो फलन है उसका प्रांत ज्ञात करना है तो कंसेप्ट देख लीजिए कि अगर लॉग के अंदर यहां बेस में कुछ होता है और यहां एक्सपोनेंट वाला पार्ट कुछ होता है एफ एक्स और जी एक्स बेस में कुछ है और एक्स की जगह कुछ है तो लॉग तभी डिफाइंड होता है जब बेस की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी हो और जी एक्स का मान भी जीरो से क्या हो बड़ा लॉग के अंदर जीरो और नेगेटिव कभी भी नहीं रख सकते दो कंडीशन आपको लगानी है और तीसरी कंडीशन और है कि जो बेस है उसका वैल्यू कभी भी वन नहीं होना चाहिए इन तीनों कंडीशन को करो और उनका क्या लो? लो. क्या लो 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 आप कॉमन कॉमन आंसर वही अपना क्या होगा आंसर तो दोस्तों अपना जो प्रांत के क्वेश्चन अगर करने हैं अपने को तो इसके लिए आपको एसमिका बहुत अच्छे से आने चाहिए और एसमिका के टेस्ट भी अपने हो चुके हैं और जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता है तो ऐप पर उनके वीडियो भी देख सकता है चलिए तो करें तो यहां जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन जो है ग्रेट देन इक्वल सॉरी ग्रेट देन क्या होना चाहिए जीरो पॉजिटिव होना चाहिए सोल्व कर सकते हो इसको अब ऐसे में सारे गुणांक पॉजिटिव है तो सबसे बड़े मान के राइट साइड में पॉजिटिव तो यहां से माइनस का चार आ गया और यहां से प्लस का चार सबसे प्लस माइनस और प्लस अपने को सिर्फ और सिर्फ यहां से क्या लेना है प्लस ठीक है तो प्लस ये इधर वाला आएगा और ये इधर वाला रेड वाला पार्ट जहां माइनस का फोर और प्लस का फोर शामिल नहीं है ओपन इंटरवल ठीक है बेस को कीजिए तो फोर ग्रेट देन जीरो, तो x x की वैल्यू आपकी आनी चाहिए ठीक है और जो बेस है उसका वैल्यू जो है वो वन नहीं होना चाहिए तो x की वैल्यू जो है वो माइनस का थ्री भी नहीं हो सकती चेक कीजिए अब इन दोनों का क्या लेना है कॉमन तो कॉमन देखो एक ने बोला माइनस चार से बड़ा इधर इसने और इसने बोला कि प्लस का चार और इधर माइनस का चार प्लस का चार से बड़ा और माइनस का चार से छोटा जहां माइनस चार और प्लस चार शामिल नहीं है तो देखो इन दोनों का कॉमन जो है वो क्या रहा चार से बड़ा क्या रहा चार से बड़ा तो चार से बड़ा देखो किसमें है एक तो इसमें है और एक इसमें जहां पे चार जो है आपका शामिल नहीं है तो ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट क्या हो गया रिजल्ट रिजेक्ट क्योंकि यहां पर प्लस का फोर शामिल है तो ये रिजेक्ट तो चार से बड़ा ये आ गया अब देखो एक्सक्यू वाली माइनस थ्री नहीं होनी चाहिए तो इसके अंदर माइनस थ्री भी नहीं आ रहा तो अपना सी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया करेक्ट माइनस थ्री आ रहा है तो रिजेक्ट इसमें माइनस थ्री आ रहा है तो ये भी रिजेक्ट ठीक है तो यहां पर अपना ऑप्शन जो है वो सी आपका क्या होगा करेक्ट रेहान बेटा आपका सही ऑप्शन चलिए सरवन का भी सही है और फटाफट इस लाइव क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हर एक क्वेश्चन के अंदर अपना नया कंसेप्ट है ताकि आप एक कंसेप्ट भी यहां पर लाइव क्लास में होते रहे दोस्तों कंसेप्ट हाँ लग रहा है कि अगर सेक इनवर्स के अंदर कुछ हो और को इनवर्स के अंदर कुछ हो उसको मान लिया एफ एक्स तो ये जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू वन या वन से तो ज्यादा होनी चाहिए और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस वन या वन से कम होनी चाहिए क्या होना चाहिए कि सेक इनवर्स और को से तभी डिफाइंड होते हैं जब इनकी वैल्यू या तो प्लस वन के बराबर या उससे बड़ी हो या माइनस वन के इक्वल या उससे क्या हो छोटी हो और और लगा हुआ इसका मतलब क्या लेना है यूनियन लेना है क्या लेना है यूनियन चलिए सोल्व करते हैं तो देखो यहां से थ्री एक्स प्लस वन देन इक्वल टू वन तो यहां से थ्री एक्स ग्रेड देन इक्वल टू क्या हो गया जीरो तो x equal to आ गया जीरो तो x की वैल्यू जीरो जीरो चुकी है किया, तो minus का 2. अब 3 से दोनों तरफ क्या कर दो डिवाइड और पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता तो एक्स लेस इक्वल टू आ गया का टू बाई थ्री। तो यहां से दो आंसर आ गए कि एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए यानी कि शामिल है तो देखो जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए इस ऑप्शन के अंदर आ रहा है और जीरो या जीरो से बड़ी इस ऑप्शन में आ रहा है तो बाकी के दो ऑप्शन अपने क्या हो गए रिजेक्ट फिर बोला माइनस टू बाई थ्री के बराबर और उससे कम माइनस तो टू बाई थ्री शामिल होना चाहिए और उससे कम तो माइनस तो माइनस से माइनस टू बाई थ्री इसमें भी है और माइनस से माइनस का टू बाई थ्री इसमें भी है लेकिन क्लोज इंटरवल आएगा क्यों क्योंकि यहां पे बराबर का चिन्ह है तो इसमें यह भी क्या हो गया रिजेक्ट क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका सी ऑप्शन यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट ठीक है चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट ये भी एक नया कंसेप्ट आपका हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक नया कंसेप्ट है ठीक है दोस्तों शोभ सिंह राठौड़ बेटा सही है आपका वेल well डन और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहो करें आगे तो यहां पर जो आपका कंसेप्ट है कि अगर एन सी आर और एन पी आर देखो क्रमचे और संचय प्रमोटेशन और कॉम्बिनेशन भी चैप्टर के अंदर यूज हो रहा है अगर एनसीआर और एनपीआर के क्वेश्चन है उनका आपको प्रांत ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये जो एन है इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए फर्स्ट कंडीशन जो एन है ऊपर जो है उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए दो कंडीशन लग गई यहां पर तीसरी कंडीशन है एन का मान जो है वो आर के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए इन तीनों कंडीशनों को सोल्व करके आपको क्या लेना है कॉमन क्या लेना है कॉमन और साथ में वो आपका होल नंबर होना चाहिए क्योंकि एनसीआर एनपीआर के अंदर नेचुरल चीजें हैं आपकी जैसे दस बच्चों में से चार को चुनना है तो दस की वैल्यू और चार दोनों के दोनों क्या है होल नंबर और दस में से चार को चुन सकते हैं दस में से ग्यारह को नहीं चुन सकते तो एन की वैल्यू जो है आज से बड़ी होनी चाहिए और कभी आपने ऐसा भी नहीं देखा होगा कि माइनस दस में से चार को चुनिए है ना आपने पॉजिटिव देखा होगा तो एन की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए और कभी आपने ये भी नहीं देखा कि दस में से माइनस दो को चुनिए तो आर भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव ठीक है तो एक नेचुरल थिंग है जैसे दस में से पांच को व्यवस्थित करना दस में से चार को चुनना है ना तो यहां पर एन की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए आर की वैल्यू जीरो जीरो से बड़ी होनी चाहिए और एन की वैल्यू आर से बड़ी और बराबर होनी चाहिए और साथ में कभी आपने ऐसा थोड़ी देखा है कि ढाई आदमी में से डेढ़ आदमी चुनिए ये सेंसलेस बात है तो यहां पर आपकी पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए तो ये चार कंडीशन को लेके अपना एक क्वेश्चन बना है क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए करें अब तो देखिए यहां पर है 10 माइनस एक्स ग्रेट देन जीरो तो माइनस एक्स ग्रेट देन कितना हो गया माइनस टेन और में का मैं आपको बताया था कि माइनस से गुणा करते तो में का चिन्ह क्या कर दो चेंज तो ये आ गया एक्स देन कितना आ गया टेन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड अब दूसरी लगाते हैं दूसरी x माइनस का फोर ग्रेट देन इक्वल टू जीरो तो तो आ गया माइनस का टू एक्स और टेन को राइट में ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा फोरटीन अब माइनस टू से डिवाइड करोगे तो ऐसे में चिन्ह क्या करते हैं चेंज तो चेंज कर दिया तो ये आ गया सात ये तीन कंडीशन लग गए ठीक है अब इन तीनों का क्या लेते हैं कॉमन इधर लेते हैं इसने बोला टेन से छोटा और टेन शामिल नहीं है टेन पे क्या गया ओपन इसने बोला चार या चार से बड़ा तो चार या चार से बड़ा इधर आ गया और चार शामिल है फिर इसने बोला सात या सात से छोटा तो ये लीजिए सात और सात से छोटा इधर आ गया ये लीजिए सात भी शामिल है अब इन तीनों का क्या लेना है कॉमन तो देखो कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है ये आ रहा है तो यहां पर अपना आंसर आ गया चार से सात के बीच में जहां सेवन भी इंक्लूड है और फोर भी क्या है आपका इंक्लूड और सात में यहां पर क्या होना चाहिए आपका पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो चार से सात के बीच में फोर इंक्लूड सेवन इंक्लूड और पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो कौन कौन सी आएगी चार आएगा पांच आएगा छह आएगा और क्या आएगा सात तो यहां पर बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, गया करेक्ट यह आपका फर्स्ट तरीका अब दूसरा तरीका अगर आपको देखना है तो अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ऑप्शन से ऑप्शन रख रख के आप यहां पर चेक भी कर सकते हो जैसे यहां से मैंने रखा चार रखा तो दस माइनस चार तो कितना छह माइनस चार जीरो सिक्स पी जीरो क्या है अपना डिफाइंड या सिक्स पी अपना क्या है डिफाइंड तो ऐसे पुट कर के भी देख सकते हो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या आएगा फटाफट आंसर दीजिए चौधरी नमस्ते बेटे नमस्ते कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई टेस्ट दिया कि नहीं दिया आपने आज करें आगे तो देखो यहां पर अब वर्गमूल वाला कंसेप्ट रिपीट हो रहा है वर्गमूल के अंदर जो है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव तो देखो यहां से जो कंसेप्ट जो है यहां पे क्या लगेगा कि अगर कोई फलन जो है वो वर्गमूल के अंदर है तो वो डिफाइंड कब होगा जब वर्गमूल के अंदर वाला पार्ट जो है वो जीरो या जीरो से क्या हो बड़ा दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर कोई फलन है और वो रूट के अंदर है तो उसको डिफाइन करना है तो डिफाइन कब होगा जब उसकी वैल्यू जीरो, जीरो से क्या हो बड़ी हो क्लियर है तो यहां से देखो x माइनस मोड एक्स का मान जीरो या जीरो से क्या होना चाहिए बड़ा क्लियर है अब देखो ध्यान से देते हैं इसमें बोला जीरो से इनफाइनाइट जीरो इंक्लूड इसमें बोला जीरो से इनफाइनाइट जीरो पे ओपन इसने बोला माइनस इन्फानेट से जीरो नोट तो वैल्यू रख रख के चेक कर सकते हो आप देखिए अगर मैंने जीरो यहां पे put किया तो जीरो जीरो का mode कितना आएगा आएगा तो तो संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब जीरो अपने answer में आएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया रिजेक्ट अब दो बचे जीरो के आधार पर फिर मैंने रखा दो रख दिया पॉजिटिव वैल्यू रख दी तो देखो दो माइनस दो का मोड दो का मोड कितना आएगा? दो माइनस दो, दो कितना हो रहा है जीरो अगेन

x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते नेगेटिव रखने पे ये क्या है नेगेटिव हैं अब वापस वाला तो अभी बताया कि वर्गमूल के अंदर वाला जो पार्ट है वो जीरो है। जीरो से क्या होना चाहिए बड़ा क्लियर है लोह हटाने के लिए क्या लेते हो एंटीलॉग और बेस सोलह है तो सोलह पे एंटीलॉग लोग एक्स स्क्वायर और इधर कितना आ जाएगा 16 के घात 0 इधर बता देते हैं थोड़ा सा अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ लोग बेस ax और इधर कुछ लिखा हुआ है कुछ भी k अगर लॉग हटाना है तो एंटी लॉग लगे तो इधर तो रह जाएगा x और इधर जो है बेस की पावर क्या हो जाएगा k ये आपका कांसेप्ट है ठीक है दोस्तों अब देखो x² greater than equal to 16 की पावर 0 तो ये आ गया आपका 16 की पावर 0 कितना होता है 1 तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू a के एक से बड़ी इसको इधर ले तो एक्स स्क्सलो टेजिए माइनस वन या प्लस वन यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा यहां क्या होगा प्लस तो अपना आंसर जीरो जीरो से बड़ा चाहिए तो जीरो जीरो से बड़ा कहां पे आ रहा है वन या वन से इनफाइनाइट और माइनस वन या माइनस वन से माइनस इनफाइनाइट तो एक्स की वैल्यू जो है वो वन से infinite, infinite से का होनी चाहिए और इसको अगर मोड में लिखे तो मोड में लिख सकते हैं है? तो बजरंगलाल सही आ रहा है बेटा आपका सही है एकदम और तैयारी कैसे चल रही है बेटा आपकी और देखो दोस्तों इस लिंक को शेयर कीजिए फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ है ना हमारा मिशन तेजस आपके लिए और आप लोग जितना इसको शेयर करोगे उतना ही और बच्चों का भी फायदा होगा और आपको भी उन बच्चों से कॉम्पिटिशन मिलेगा अपना लेवल अपने को पता चलेगा ठीक है चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए वही रूट वाला तो टू ऑवर एक्स ग्रेट देन इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो ठीक है अब कैसे सोल्व करें करें तो यहां से थोड़ा सा देखो अपन सोल्व करते हैं मैंने यहां टू की पावर एक्स यहां से इसको लिख दिया ग्रेट देन थ्री की पावर एक्स और थ्री की पावर एक्स से क्या कर दिया डिवाइड तो ये आ गया टू बाई थ्री की पावर एक्स ग्रेट देन इक्वल टू वन कितना आया वन यहां तक सोचे इसको अब देखो यहां ये यह है चर गातां की का कौन सी है चर की का देखो इसमें कॉन्सेप्ट देख लीजिए थोड़ा सा तो चर चर्गता समीका में क्या होता है कि A की घात एक्स देन आपका हो B की घात एक्स अगर ए और बी दोनों एक से बड़े हैं किससे बड़े हैं एक से बड़े यहां एक तो एक्स ग्रेट देन क्या आएगा वाई अगर ए और बी दोनों एक से छोटे और जीरो से क्या है बड़े तब ये साइन उल्टा हो जाएगा एक्स लेस देन क्या आएगा वाई क्या आएगा वाई ठीक है अब देखिए यहां से अगर मैं वन लिखना चाहूं तो दोनों का बेस सेम करूं तो सेम करूंगा तो टू तो बाई थ्री की पावर एक्स और इधर आ गया टू बाई थ्री की पावर जीरो 2/3 की पावर 0 का मान कितना आएगा 1 अब देखो बेस जो है वो 1 से क्या है छोटा तो पहला लगेगा कि दूसरा 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 लगेगा तो ये x जो है वो लेस देन इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए 0 क्या होना चाहिए 0 अगर दोनों बेस 1 से बड़े थे तो पहला वाला जो बड़ा है उसकी पावर बड़ी होगी और जो छोटा है उसकी पावर क्या होगी छोटी जिधर की साइड लेकिन अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब दो बड़ी साइड है उसका पावर जो है वो आएगा छोटा और जो राइट साइड है उसका पावर जो है वो क्या होगा बड़ा तो यहां से एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ गई जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो आपका? ए आपका यहां पर क्या हो गया करेक्ट हो गया ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग के अंदर है अब देखो इसकी वैल्यू तो क्या होनी है ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है क्या होनी है जीरो

तो x माइनस थ्री और x प्लस थ्री माइनस लिया और माइनस से गुणा कराओगे तो इसमें चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज अब सोल्व कर लो यहां से आया माइनस थ्री यहां से आया प्लस का थ्री प्लस माइनस और प्लस तो आंसर आ गया माइनस थ्री से प्लस का थ्री ओपन इंटरवल और वो एक ही ऑप्शन है आपका कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन तो यहां पर बी जो है वो आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया ठीक है चले आगे चलते हैं कीजिए फटाफट देखो यहां लॉग इन्वॉल्व हो गया तो लॉग के हिसाब से देखा तो x प्लस थ्री ग्रेट देन जीरो और बेस में कोई दिक्कत नहीं है बेस टू है और यहां डिवाइड भी आ गया तो डिवाइड का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए जीरो ये दोनों कंडीशन को सोल्व कर लीजिए तो यहां से तो आ गया एक्स ग्रेट देन माइनस का थ्री एक्स की वैल्यू जो है माइनस थ्री से बड़ी होनी चाहिए यानी कि माइनस थ्री से अनंत होना चाहिए और माइनस थ्री से अनंत एक ही ऑप्शन में आ रहा है इसमें नहीं है इसमें नहीं है ठीक है और इसमें भी नहीं है कौन सी में है डी में चलिए और देख लेते हैं यहां से तो इसके टुकड़े के तो ये आ गया दो एक्स प्लस एक्स प्लस दो नॉट इक्वल टू जीरो यहां से एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स प्लस टू वन कॉमन लिया तो एक्स प्लस टू तो यहां से आ गया एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो तो यहां से x की वैल्यू जो है माइनस का दो और माइनस का वन भी नहीं हो सकती मतलब माइनस अनंत से होना चाहिए और जो x की वैल्यू है माइनस दो और माइनस एक नहीं होना चाहिए तो कौन सा ऑप्शन बचा है डी ऑप्शन आपका यहां पर क्या है करेक्ट है करेक्ट ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेचुरल वीडियो आशुतोष कुमार नए स्टूडेंट जो बेटा वेलकम आपका फेवर अकेडमी का यूट्यूब चैनल पर और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि टेस्ट दे सको आप वहां पर चले आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन है वह प्रांत क्या बोला वह प्रांत जिसके लिए ये दोनों फलन है यह हो गया एफ एक्स और ये हो गया आपका जी एक्स क्या है द्वारा परिभाषित फलन क्या है समान वो प्रांत क्या होता है एक्स का मान तो समान करके एक्स का मान गया लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक और थ्री प्लस एक्स ये दोनों क्या है समान फलन अब एक्स के मान चाहिए तो इसको इधर ले आओ ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस फोर बराबर जीरो सोल्व कर लीजिए तो तो आ गया 3X square, टुकड़े कीजिए तो से चार एक्स प्लस का तीन एक्स और माइनस लिया तो आ गया 3X, का 4, और यहां से वन कॉमन लिया तो थ्री एक्स माइनस का फोर बराबर जीरो तो से आ गया थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस वन बराबर जीरो तो एक्स का मान यहां से आ गया माइनस का वन और चार बटा तीन कितने मान आ रहे हैं सिर्फ दो मान आ रहे हैं माइनस का वन और आपका चार बटा तीन अब देखो ये तो अंतराल में देख के तो सारे क्या हो गए रिजेक्ट और ये करली ली के अंदर आपका क्या आ गया आंसर सिर्फ दो ही वैल्यू यहां पर शामिल है ठीक है पप्पू कुमार यादव कौन सा एप है बेटा फेबुलस अकेडमी इसका लिंक आपको मिल जाएगा यहीं पे अभी फेबुलस अकेडमी के ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा और इस लिंक को शेयर कीजिए फटाफट आप अपने फ्रेंड्स के साथ आगे चलें चले आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स कोमा वाई के रूप में लिखा हुआ है किसके रूप में लिखा हुआ है एक्स कोमा वाई के रूप में तो ये जो पहला पार्ट है वो तो होता है डोमेन यानी कि प्रांत और दूसरा पार्ट है जो होता है आपका रेंज यानी कि परिसर क्या होता है रेंज यानी कि परिसर कर सकते हो अब तो प्रांत क्या आ गया एक तीन और दो मतलब एक दो तीन आपका प्रांत आएगा तो एक दो तीन किसमें है ए ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो गया करेक्ट हो गया ठीक है एक मिनट यहां वन टू थ्री ए में भी सही है और बी में भी सही है चलिए देखते हैं तो यहां देखो ए में, में भी लिखा हुआ है और बी में भी लिखा हुआ लेकिन अपने को सेट के रूप में लिखना है किसके में लिखना मोहित तो है, है कुमार टेस्ट कब होता है बेटा टेस्ट जो है वो डेली होता है के पर, और आ, जो कल का टेस्ट है वो नौ बजे के बाद आपका ओपन हो जाता है तो नौ बजे के बाद आप कभी भी दे सकते हो शंभु कुमार एक्स वाई दोनों का कोर्स है हाँ बेटा दोनों का कोर्स अवेलेबल है आप एक बार के ऐप को चेक कीजिए उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फिजिक्स वाले सर बेटा आने वाले हैं अभी ये पंद्रह क्वेश्चन होने के बाद फिजिक्स वाले सर ही आएंगे ठीक है चलिए आगे करते हैं आगे देखो दो फलनों का योग है अगर आपको दो फलनों का योग और अंतर दिया जाए और उनका प्रांत ज्ञात करना है तो आप इसका प्रांत ज्ञात करो और जी का प्रांत ज्ञात करो और दोनों का क्या लेना है कॉमन क्या लेना है कॉमन अगर आपको दो फलनों का योग और अंतर दिया जाए और उनका प्रांत ज्ञात करना है तो आप अलग अलग प्रांत ज्ञात करके क्या लो कॉमन ठीक है चलिए तो देखो साइन इनवर्स का और कोस इनवर्स का क्या होता है एक कंसेप्ट और आ गया और नेक्स्ट कंसेप्ट कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का प्रांत है वो कैसे ज्ञात करते हैं तो इनके अंदर का जो मान है वो एक से कम और माइनस एक है एक से क्या होना चाहिए ज्यादा इनसे साइड और इनवर्स का क्या ज्ञात कर सकते हैं प्रांत तो दो क्वेश्चन दोस्तों तो देखो पहले इसको करते हैं तो x बाई टू जो है वो एक से कम और माइनस एक एक से ज्यादा होना चाहिए ये कंसेप्ट दो से गुणा कर दो तो इधर आ गया माइनस दो ये आ गया x और ये आ गया प्लस का दो मतलब माइनस दो से प्लस का दो फिर यहां वर्गमूल वाला कंसेप्ट तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेट देन इक्वल टू जीरो यहां से आ गया एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ग्रेट देन इक्वल टू जीरो तो यहां से दो मान आ गए एक तो आ गया माइनस वन एक आ गया प्लस वन यहां आएगा प्लस यहां आएगा माइनस और यहां आएगा प्लस इसमें प्लस देखना है अब इन दोनों का क्या लेना है अपने को कॉमन तो इधर लेते हैं तो एक ने बोला माइनस टू से प्लस का टू दोनों इंक्लूड है और इसने बोला वन से बड़ा माइनस वन से छोटा इधर वन भी शामिल है और माइनस वन भी शामिल है तो दोनों का कॉमन कौन सा आ रहा है देखिए ये ब्लैक वाला जो पार्ट है वो दोनों का क्या रहा है कॉमन मतलब माइनस टू से माइनस वन इंक्लूड है दोनों वन से टू दोनों क्या है इंक्लूड तो यहां कौन सा ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया सही है बेटा आपका मोहित कुमार आपका सही है बेटा चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वापस वही साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाला अभी बताया क्या करोगे अंदर जो मसाला है अंदर का जो वैल्यू है वो एक या एक से कम और माइनस एक या एक से क्या होना चाहिए ज्यादा <coughs> बजरंगलाल स्वामी सी ऑप्शन चलिए बेटा देखते हैं क्या आएगा सी आएगा कि ए आएगा कि बी आएगा अच्छा पिछले क्वेश्चन का आपका आंसर सही है अगर पिछले का दे रहे हो तो सी है चलिए देखते हैं तो देखो यहां थ्री एक्स माइनस वन की वैल्यू एक, एक से कम और माइनस एक के एक से क्या होनी चाहिए आपकी ज्यादा अब सोल्व कर लो वन को दोनों तरफ ट्रांसफर कर दो तो यह थ्री एक्स ये इधर जाएगा तो वन प्लस वन कितना आएगा टू और इधर जाएगा तो माइनस वन प्लस वन कितना आएगा जीरो अब तीन से का दो भाग भाग दो के तो ये आ गया दो बट्टा तीन और जीरो में तीन का भाग दो के तो जीरो तो जीरो से दो बट्टा तीन के बीच में क्या आंसर आ रहा है जीरो से दो बट्टा बीच की दो बट्टा तीन के बीच में और दोनों वैल्यू इंक्लूड है तो कौन सा है बी ऑप्शन आपका यहां पर क्या है करेक्ट ठीक है चलिए आगे चलें नेक्स्ट लॉग का प्रांत अब बेस के दिक्कत नहीं है यहां अगर बेस कुछ भी नहीं दिया हुआ तो बेस को क्या मान लो ई e. कर सकते हो अब तो एक ही प्रॉब्लम है यहां जो देर का उसकी वैल्यू जो है जीरो से क्या होनी चाहिए बड़ी यानी कि जीरो से आपका इनफाइनाइट जहां जीरो शामिल नहीं है ठीक है तो जीरो से इनफाइनाइट कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट देखो ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है ओपन इंटरवल क्या है ओपन इंटरवल ठीक है चलिए आगे बट्टे के अंदर भी है वर्गमूल तो देखो क्या करोगे वर्गमूल है तो चार माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो जीरो से बड़ी और बट्टे में है तो वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए जीरो तो जीरो नहीं होनी चाहिए तो देखो अगर मैं यहां से सिर्फ ग्रेट देन कर दूं तो अपना काम बन जाएगा तो किया ग्रेट देन जीरो नहीं कर रहा क्यों क्योंकि यहां हर केंद्र और हर में मान जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए सोल्व करते गुणनगण कर लो माइनस यहां से कॉमन लोगे और माइनस कॉमन लोगे और माइनस ऐसे मेगा को गुणा कराओगे तो एस में का चिन्ह क्या होना है चेंज अब लिख दो यहां आ गया माइनस का टू यहां आ गया प्लस का टू ये आ गया प्लस ये आ गया माइनस ये आ गया प्लस तो लेस देन जीरो मतलब माइनस दो से प्लस का दो और ओपन इंटरवल कौन सा इंटरवल ओपन और ओपन एक में ही है यहां पर ये लीजिए देखो दोनों तरफ खोल के लिख दिया इसको तो माइनस टू से प्लस का टू आपका क्या आएगा आंसर ठीक है बेटा चलिए आगे चलते हैं तो दोस्तों ये था आपका माइनर टेस्ट एट अगर किसी बच्चे ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो फेवल्स एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप एयरफोर्स नेवी वाले पार्ट के अंदर डे वाइज टेस्ट दे सकते हो और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनका फेबल्स एकेडमी के ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है और आप एक बार फेबल्स एकेडमी के ऐप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस लिंक को फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं फेबल्स अकेडमी के मिशन तेजस का फ़ायदा ले सकें ये मिशन आपका है हमारा अल्टीमेट एम है आपका एयरफोर्स और नेवी में सिलेक्शन करवाना अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका फिजिक्स का पार्ट चलेगा तो तब तक सर आते हैं तब तक आप फटाफट शेयर कीजिए कीजिए शेयर फटाफट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है अपने आज जो जो आपके टेस्ट हुए थे उसके आपने आज आंसर दिए उन्हीं आंसर के बारे में आज आप डिस्कस करते हैं कि आपके आंसर कैसे रहे हैं तो क्या क्या क्वेश्चन थे चलिए देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि डब्ल्यू भार का एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ रखने के लिए क्षैतिज बल एफ लगाया जाता है पिंड को दीवार के साथ बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल की आवश्यकता कितनी है कितने बल इसके लिए न्यूनतम चाहिए होंगे तो चार ऑप्शन है ए डब्ल्यू से कम डब्ल्यू के बराबर डब्ल्यू से अधिक आंकड़े अपर्याप्त हैं ठीक है रोहित रावत कह रहे हैं राम राम तो सभी को राम राम भाई तो अपने को बल कैसा चाहिए देखिए किसी भी ब्लॉक को किसी दीवार से चिपकाए रखने के लिए ये मान लो दीवार है और इसको चिपकाए रखने के लिए लगाया गया बल उसके भार की तुलना में कैसे है तो ये, ये दीवार है और मैंने इसके साथ ऐसे कोई वस्तु को चिपका रखा है तो चिपकाने के लिए जो है फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको चिपकाए रखने के लिए इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा ठीक है प्रतिक्रिया जो होगी इसकी वो इसकी बाहर की ओर आएगी आर इसका वजन नीचे की ओर खींचेगा डब्ल्यू और जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा दीवार के साथ फिसलता नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहां पर जो है एक फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की ओर ये ब्लॉक का चिपके रहने की शर्त ये है कि जो आपका ऊपर की ओर लगने वाला घर्षण बल है ये जहां तो ज्यादा हो बाहर से या बराबर हो ठीक है तो युद्धवीर सिंह इसका ऑप्शन बी बता रहे हैं। देखते हैं यहां तो बल जो घर्षण बल आपका बराबर हो अगर भार ज्यादा हो गया ठीक है तो फिर ये ब्लॉक नीचे फिसल जाएगा कंडीशन ये आना चाहिए मिनिमम से मिनिमम ये होना चाहिए कि ये बराबर होना चाहिए लेकिन अगर भार ज्यादा हो गया तो ब्लॉक जो है वो नीचे फिसल जाएगा ठीक है तो लोग इसका ऑप्शन जो है सी बता रहे हैं तो चलिए एफ को क्या लिखा जा सकता है म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू लेकिन ये जो आर है किसके बराबर है एक्सटर्नल फोर्स के तो म्यू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू या एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन म्यू तो किसी भी ब्लॉक को किसी सतह के साथ चिपकाए रखने के लिए ठीक है बेस्ट बुक बेटा कोई भी बुक्स पढ़ो नॉलेज अच्छी होनी चाहिए सारी किताबें अच्छी होती है लेकिन पूरी बुक जिसको भी पढ़ो कंप्लीट पढ़ना ठीक है एफ बराबर जो है वो कितना आ गया डब्ल्यू बटे में म्यू ये अपने लगाया गया बाह्य बल और भार में संबंध है अब यहां रही घर्षण गुणांक की मान तो घर्षण गुणांक का मान जो पॉइंटों में होता है अगर यह घर्षण गुणांक का मान पॉइंटों में आएगा तो लगाया गया बल जो है एफ यह भार से क्या होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए तो ये कम है एक से तो ये बाहर क्या होगा ज्यादा बराबर वाला निशान भी नहीं आएगा तो किसी भी ब्लॉक को चिपकाए रखने के लिए लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स जो बाहरी बल होता है है वो सदैव उसके भार से ज्यादा रहना चाहिए ठीक है? कितना ज्यादा रहना चाहिए वो वो सरफेस के डिपेंड करेगा कि सतह कैसी है तो इसका जो ऑप्शन है वो W से अधिक होना चाहिए इसका ऑप्शन जो आएगा वो C आएगा गिरधारी लाल इसका C ऑप्शन बता रहे हैं राहुल सैनी इसका C ऑप्शन बता रहे हैं बजरंग लाल स्वामी C ऑप्शन बता रहे हैं ठीक है तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा सी ऑप्शन रहेगा किसी भी ब्लॉक को चिपकाई रखने के लिए लगाया गया जो बल है ठीक है ये सीधा आपको याद रखना क्योंकि कई जगह पर काम आ जाता है डब्ल्यू बटे में म्यू तो ये किसी भी ब्लॉक को किसी सतह के साथ चिपकाए रखने के लिए लगाया गया बल होता है ठीक है गुड इवनिंग बोल रहे हैं बच्चे तो सभी को गुड इवनिंग चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या कहते हैं देखिए स्थैतिक घर्षण बल का मान वो होता है जब वस्तु गति करने का प्रयास तो करती है लेकिन गति नहीं करती है उस वक्त तो उसके बल को अपने स्थैतिक बल कहते हैं और स्थैतिक बल जो है वो एक स्वय समंजित बल होता है सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स होता है जितना आप बाह बल लगाओगे घर्षण बल उतना ही पीछे की ओर लगेगा वस्तु विराम में बनी रहेगी और जब आप बाह्य बल का मान बढ़ाते जाते हो तो ये बल का मान भी बढ़ता जाएगा और ये कोई वस्तु अधिकतम कितनी सीमा तक उस वस्तु को विराम में रख सकती है वो स्थैतिक घर्षण बल की अधिकतम सीमा होती है और अधिकतम सीमा को लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं सीमांत घर्षण बल कहते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर जो आएगा वो कौन सा आएगा ए ऑप्शन आएगा तो सत्रहवें क्वेश्चन का उत्तर जो है ए तो आकाश दयमा इसका ए ऑप्शन बता रहे हैं ठीक है तो ज्योति में दास इसका ए ऑप्शन बता रहे हैं गिरधारी लाल ए ऑप्शन बता शुभम सिंह ए तो बिल्कुल है इसका सार, इसका सही ऑप्शन कौन सा है ए है लीजिए एक खंबे पर एक व्यक्ति 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का जो है पर एक चालीस किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का नियत चाल से ऊपर चढ़ रहा है ठीक है उसके हथेली व वंबे के मध्य घर्षण गुणांक का मान जो है वो पॉइंट है जी दस मीटर पर सेकेंड कह रहा है तो खंबे पर आरोपित सैतीस बल देखिए वो खंबे पर चढ़ेगा खंबे पर चढ़ने के लिए उसकी ग्रिप जो है हाथों से उसको खंबे को जकड़ेगा ये खंबा है इसके ऊपर जब कोई व्यक्ति इसके ऊपर चढ़ रहा है तो इसको अपने हाथों से अच्छी तरीके से क्या करेगा जकड़ेगा जकड़ेगा यदि उसका भार ज्यादा हुआ तो फिसल के किधर आ जाएगा नीचे आ जाएगा हम नहीं चाहते कि वो नीचे आए इसलिए जरूरी है कि वो उसके साथ चिपका रहे और उसके साथ स्थिर बना रहे उसके लिए जरूरी क्या है कि वो इतना हाथों से घर्षण लगाए कि उसके भार को संतुलित कर पाए और भार को संतुलित कर पाएगा तो लगाया गया बल एफ बराबर अभी बताया था वही फॉर्मूला डब्ल्यू बटे में न्यू ही इसके लिए लागू होगा वही फॉर्मूला इसके लिए लागू होगा ठीक है तो सर्वेश शुक्ला जो इसका ए ऑप्शन बता रहे हैं राकेश कुमार इसका ए ऑप्शन बता रहे हैं ठीक है देखते हैं तो एफ बराबर डब्ल्यू कितना आएगा उसको एम जी लिखा जा सकता है एम जी अपॉन म्यू एफ इज इक्वल टू अच्छा एम कितना है देखना पड़ेगा चालीस इन जी की वैल्यू दस बटे में म्यू म्यू की वैल्यू कितनी है हां जी पॉइंट एट अच्छा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा ये इस पर फाइव तो कुल मिला पॉइंट इधर चला जाएगा तो कुल मिला के फोर्स आएगा फाइव हंड्रेड न्यूटन तो कम से कम इतना फोर्स से उसको जकड़ना पड़ेगा ठीक है तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है ठीक है इसका जो ऑप्शन जो बता रहे हैं ए ए नहीं आएगा इसका ऑप्शन देखिए इसका ऑप्शन कौन सा आया है यहां पर सी ऑप्शन आया गया इसको पकड़े रखने के लिए उसके लगाया गया जो बल है वो उसके बारे में डब्ल्यू तो बटे में म्यू के फॉर्मुले से इसको जो है हल किया जाता है बजरंग लाल स्वामी बी ऑप्शन नहीं बजरंग लाल स्वामी सी ऑप्शन बता रहे हैं अब सर्वेश जो है वो भी जी प्रकाश बुर्डक सी अच्छी बात है अच्छा क्वेश्चन नंबर एक किलोग्राम के पिंड को एक दीवार के लंबोत एफ बल लगाकर दीवार के साथ रोके ग, रखा गया घर्षण गुणांक का मान पॉइंट दो है एफ का न्यूनतम मान पूछा है देखिए एफ का न्यूनतम मान पूछा हुआ है तो हमें अब इसके बारे में न्यूनतम मान है फॉर्मूला वही है जो अभी तक अपने यूज कर रहे थे ऑप्शन आपके पास है 980 न्यूटन 49 न्यूटन 98 न्यूटन 490 न्यूटन तो ये सारा ऑप्शन है अपने पास ठीक है तो ऑप्शन के हिसाब से लगाया गया न्यूनतम मिनिमम फोर्स तो देखिए मिनिमम फोर्स एक ही फॉर्मूला में बार बार आपको याद करवा रहा हूं तो एफ बराबर क्या आएगा डब्ल्यू अपॉन यू यही फॉर्मूला मैं बार-बार इसका यूज कर रहा हूं ठीक है तो इस फॉर्मूले से कितना आएगा देखिए w w इसका मान कितना है एक किलोग्राम का है mg अपॉन म्यू अच्छा m कितना है इसका एक, g की वैल्यू 9.8 अपॉन म्यू म्यू का मान कितना है अपने पास पॉइंट दो, ठीक है पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये आंसर आएगा 49 न्यूटन तो इसके उसके लिए जरूरी माना जाएगा बजरंग स्वामी बी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल इसका ऑप्शन कौन सा आएगा बी ऑप्शन आएगा आकाश दायमा डी बी ऑप्शन शुभम सिंह डी देखो डी नहीं आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा बी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रही होगी आपकी ठीक है तो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है बी ऑप्शन इसका आ रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता देखिए फ्रिक्शन को कम करना है ऑयल दो सरफेस के बीच में यदि ऑयल लगा दिया जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाता है क्योंकि दोनों के बीच में एक ऑयल की लेयर आ जाती है एक जो ऑयल है वो एज ए लुब्रिकेंट वर्क करना शुरू कर देता है बाल बेरिंग बिल्कुल आप जानते हो बेरिंग जो बाल बेरिंग है वो भी इसमें छोटे छोटे बॉल होते हैं जो इसके पास अंदर से रोटेट होता रहता है वो भी फ्रिक्शन को कम करने के काम आता है अच्छा मिट्टी सेंट नहीं जी सेंड से तो फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाता है अपने हाथ बहुत चिकने हैं मैं किसी चीज को पकड़ रहा हूं मेरे हाथ फिसल रहे हैं तो एक काम कीजिए मिट्टी में हाथ लगा के चीज़ को पकड़ लेना अगर आपके हाथ ऑयली है मान लो ऑयली है मैं किसी को पकड़ रहा हूं और फिसल रही है बार बार तो मिट्टी को हाथ लगा के पकड़ो तो पकड़ बढ़िया बन जाएगी रीजन क्योंकि मिट्टी से फ्रिक्शन बढ़ जाता है और हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि फ्रिक्शन कम करने के लिए किसको यूज नहीं कर सकते तो किसको नहीं यूज कर सकते मिट्टी को क्योंकि ये फ्रिक्शन कम नहीं करेगा बल्कि ये फ्रिक्शन को क्या करेगा बढ़ाएगा जीतू कुमार सी ऑप्शन दे रहे हैं ठीक है तो बिल्कुल इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है ठीक है त्रिलोक भी सी दे रहे हैं गिरधारी लाल डी ऑप्शन बजरंग देखिए कुमार आर्य जय हिंद बोल रहे हैं तो भी सभी लोगों को जय हिंद तो सी ऑप्शन इसका मान आएगा देखिए धातु की एक समरूप जंजीर किसी खुरदरी मेज पर इस प्रकार रखी है कि इसका एक सिरा मेज के किनारे से लटका हुआ है तथा जंजीर का एक तिहाई भाग मेज के किनारे से लटकता है तो यह है फिसलना प्रारंभ करती है स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या है एक जंजीर इस प्रकार से रखी है कि उसका वन बाई थर्ड पार्ट लटक रहा है तो वो ऊपर से फिसलना प्रारंभ कर रही है तो इसके लिए उसका स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना होगा ठीक है म्यू की वैल्यू है एक बात और किसी भी जंजीर को किसी भी टेबल से 50 परसेंट या उससे ज्यादा नहीं लटकाया जा सकता किसी भी जंजीर को लटकता हुआ भाग ज्यादा से ज्यादा रखा जाए तो 50 परसेंट से कम रहेगा 50 परसेंट या उससे ज्यादा भाग को कभी भी नहीं लटकाया जा सकता टेबल से फिर भी यहाँ क्वेश्चन में यह कहा है कि एक टेबल है उसके ऊपर इस प्रकार से जंजीर पड़ी हुई है और उसका कुछ भाग जो है वो लटक रहा है लटकता हुई लंबाई जो है वो एल बाई थ्री है पार्ट जो है इसका जंजीर का क्या कर रहा है यहां से लटक रहा है ठीक है तो फिर टेबल पर कितना रहेगा टोटल एल लेंथ पार्ट पार्ट लटक रहा है इसका two by three part है इसका मतलब जो वो टेबल पर रखा हुआ है हो जाएगा तो टू बाई थ्री पार्ट जो है टेबल पे रखा हुआ है तो वो कह रहा है कि इसके जंजीर के लिए फ्रिक्शन कॉफिशियंट जो है वो कितना होगा तो म्यू बराबर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है म्यू बराबर किसी भी टेबल से लटकती लंबाई बटे में होता है मेज पर रखी लंबाई इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला मान सकते हैं तो म्यू बराबर अच्छा लटकती लंबाई कितनी है एल बाय थ्री बटे में मेज पर कितनी है टू एल बाय थ्री एल बाय थ्री से एल बाई थ्री कैंसल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा वन बाई टू बराबर पॉइंट फाइव तो यहाँ का जो फ्रिक्शन कॉफिशियंट है घर्षण गुणांक है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी वन बाय टू इसका ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ इस पर्सन का मान आ जाएगा वन बाई टू कितने लोगों ने सही बताया है इसका ऑप्शन जो है वो डी है तो ज़्यादातर लोग तो इसका ऑप्शन सी बता रहे हैं बेटा सी ऑप्शन नहीं आ सकता इसका ठीक है इस पर्सन में जब भी आपको सॉल्व करना है तो यही फॉर्मूला लगाना है घर्षण गुणांक म्यू बराबर मेज से लटकती लंबाई बटे में मेज पर रखी हुई लंबाई ठीक है तो ये फॉर्मूला है तो इससे फॉर्मूले से आंसर कितना आ जाएगा वन बाय टू तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो डी आएगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं लीजिए आर त्रेजा के एक समतल वृत्ताकार पथ पर किसी कार के कारण चलने वाली वह अधिकतम चाल जिससे वह फिसल ना पाए लीजिए एक वृत्ताकार वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए ये एक वृत्ताकार सड़क है इसके ऊपर एक कार चल रही है ये देखिए जब ये कार किसी रोड पर चलती है तो यहां पर सबसे पहले इसका भार जो आएगा एम नीचे की ओर प्रतिक्रिया बल आर ऊपर की ओर इसकी रफ्तार के कारण एक बल बाहर की ओर लगेगा इसकी गति के कारण गति के कारण बाहर की ओर लगेगा गाड़ी बाहर की ओर फिसलने की कोशिश करेगी लेकिन घर्षण बल इसे अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है ठीक है घर्षण बल इसे जब अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है तो घर्षण बल एफ बराबर किसको प्रदान करता है अभिकेंद्रीय बल तो इसे लिखा जा सकता है एम वी बीरा आर अच्छा एफ को क्या लिखा जा सकता है म्यू आर इज इक्वल टू एम वी स्केर अपोन आर लेकिन म्यू आर आर किसके बराबर आ जाता है एम जी के तो म्यू एम जीवल टू एम वी स्केर अपोन आर एम से एम कैंसिल आउट हो गया तो इससे सॉल्व करेंगे तो वी इज इक्वल टू म्यू आर जी ये इसका वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे ये मुड़ सकता है यदि इससे ज्यादा स्पीड से जाएगा तो गाड़ी बाहर की और फिसल जाएगी ठीक है तो इसका ऑप्शन आएगा अंडर ठीक है ये वैसे सीधा फॉर्मूला है इतना सोल्यूशन नहीं किया जाता इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखा जाता है और सीधा आंसर इसका टिक किया जाता है तो इस ऑप्शन कितना आएगा इसका इसका ऑप्शन आएगा अपने पास डी तो आगे बढ़ते हैं कभी बच्चे इसका डी ऑप्शन बता रहे चलिए क्वेश्चन नंबर तेईस एक किलोग्राम द्रव्यमान की एक घर्षण युक्त समतल पर विराम में स्थित है गति करवाने के लिए आवश्यक बल का मान कितना चाहिए देखिए एक सतह है और फ्रिक्शन वाली सतह है इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है आप इसको गति करवाने के लिए बल चाहिए पीछे की ओर इसके घर्षण बल लगेगा एम नीचे की ओर लगेगा प्रतिक्रिया बल आर ऊपर है तो मिनिमम कितना फोर्स चाहिए तो कम से कम इसके घर्षण को तो कम बराबर करो ए बराबर किसके आएगा म्यू आर ए बराबर म्यू आर को लिखा जा सकता है एम जी ए बराबर घर्षण गुणांक का मान दे रखा है पॉइंट एक अच्छा द्रव्यमान कितना दे रखा है एक इंटू जी का मान दे रखा है नाइन एक। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए पॉइंट न्यूटन इसका आंसर आएगा तो चेक कीजिए आपका सही है या क्या है तो कई लोग इसका ऑप्शन डी दे रहे हैं अशोक कुमार डी ऑप्शन दे रखे हैं तो डी तो नहीं आ रहा है कहीं से भी इसका ऑप्शन एक किलोग्राम है इसलिए तो पॉइंट नाइन एट आएगा तो ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इसका सही आंसर है ठीक है प्रकाश बोर्डक इसका ए ऑप्शन बता रहे हैं ठीक है ज्योति में इसका ज्योति में दास इसका ए ऑप्शन बता रहे अशोक भी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल है इसका ए ऑप्शन ही रहेगा लीजिए एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है 200 किलोग्राम व तीन सौ किलोग्राम द्रव्यमान के दो डिब्बे हैं जो क्षैतिज पटरियों पर जो ये दो है एक स्थित है दूर हटाया जा रहा है एक झटके से दोनों तरफ बीच लगने वाला घर्षण बल दोनों के समान है यदि 200 किलोग्राम वाला जो है छत्तीस मीटर की दूरी तक जाता है तो तीन सौ किलोग्राम वाला पिंड कितनी दूरी तक जाएगा देखिए ये मान के चलना कि इस प्रकार से दो बॉक्स आए हुए हैं और आपस आप में टकराए और टकरा के साइड में गए इस प्रकार से टकरा के जा रहे हैं तो दोनों तरफ जाने के कारण इनमें संवेद संरक्षण नियम की पालना होगी वही बंदूक से जैसे गोली चलती यहाँ भी आपस आप में दो चीज़ें टकराती हैं यहाँ अपने टक्करों वाला टॉपिक बड़ा होगा का उसमें भी आपने पढ़ा होगा चाहे परफेक्ट इलास्टिक चाहे चाहे परफेक्ट इन इन इलास्टिक इलास्टिक सिंपल सभी में अपने जानते हैं संवेग संरक्षण नियम की पालना होती है सभी में मोमेंटम कंजर्वेशन रूल की फॉलो होता है तो यहाँ भी संवेग संरक्षण नियम की ही पालना होती है तो अब हमें यह देखना है कि ये टक्कर करने के बाद ए जो है जो कितने किलोग्राम का है 200 किलोग्राम का है और ये 300 किलोग्राम का है और ए जो है वो S1 बराबर कितनी दूरी चलता है छत्तीस मीटर दूरी चलता है तो ये एस टू कितनी दूरी चलेगा देखिए किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का मतलब होता है वो तब तक चलेगा जब तक वो विराम अवस्था में नहीं आ जाता ठीक है तो विराम अवस्था में आने के लिए अगर मैं देखता हूँ तो फॉर्मूला होता है वी स्केयर बराबर यूस्केर माइनस टू ए एस क्योंकि मंदन है अंतिम वे कितना आएगा जीरो तो इसलिए मैं लिख सकता हूं एस बराबर यूस्केर बटे में टू ए लेकिन घर्षण है तो a बराबर कितना आएगा म्यू जी तो s इज इक्वल टू यू स्केर बटे में टू म्यू जी ये प्रश्न आ गया अपने पास लेकिन इस प्रश्न में उसने अपने से देखिए क्या मांगा हुआ है द्रव्यमान दिए हुए हैं 200 किलोग्राम और 300 किलोग्राम इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं इसमें क्या लेके आना पड़ेगा द्रव्यमान एक काम करते हैं अपने इसके ऊपर एम स्केर से गुणा कर देते हैं बटे में टू म्यू जी इंटू एम स्केर एस बराबर होगा पी स्केयर बटे में टू म्यू जी इंटू एम स्केर तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन गया एस बराबर ये फॉर्मूला डायरेक्ट बहुत अच्छी तरीके से याद रखना टू बटे में टू म्यू जी इंटू एम स्केर देखिए टक्कर आ रही है तो संवेग संरक्षण पी कॉन्सेंट है फिर म्यू दोनों तरफ का बराबर है और जी बराबर है इसलिए चलेगी दूरी द्रव्यमान के वर्ग के अनुपाति होती है ठीक है तो द्रव्यमान के वर्ग के बराबर होती है तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है अशोक कुमार प्लस होगा सर देखिए बेटा प्लस नहीं होगा इसमें गाड़ी रुक रही है मंदन आ रहा है उसमें मंधन आ रहा है गाड़ी टक्कर के बाद दूर जाने के बाद रुकेगी रुकेगी तो मंधन आएगा उसमें ठीक है इसलिए अपने माइनस लेके चलेंगे यहां पर आ गया अपने तो ये, ये वाला पार्ट जो है वो जीरो हो जाएगा अंतिम वेग ये वाला ये जीरो है। अच्छा, S1 में एस टू बराबर बरा आ जाएगा एम टू बटे में एम वन का होल स्क्वायर अच्छा पहली दूरी कितनी चले हुआ है वो छत्तीस बटे में दूसरी दूरी पता करनी है एम टू कितना है तीन बटे में एम वन दो का स्क्वायर इससे आ गया छत्तीस बटे में एस टू बराबर नौ बटे में चार तो एस टू बराबर एक काट दिया इससे चार तो एस टू बराबर सोलह मीटर तो ये फॉर्मूला आ जाएगा चेक करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो सोलह मीटर आएगा तो ऑप्शन इसका जो आएगा वो सी आएगा ठीक है तो इसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपने पास सी ऑप्शन आ रहा है सोलह मीटर वो दूरी तय करेगा तो हो गया मान आपके पास तो कई बच्चों ने इसके सही ऑप्शन दिए हैं कई तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा पच्चीस लो जी मेरे को लगता है जो अपने फॉर्मूला ड्राइव किया था ये वही फॉर्मूला पूछ लिया है तो ये वही फॉर्मूला पूछ लिया है तो फिर अब इसके बारे में अपने पास कुछ बचा ही नहीं क्या इसके बारे में अपने बताए तो देखिए एम द्रव्यमन की गाड़ी खुरदरी शैति सड़क पर संवेग पी से गति कर रही है टायर व सड़क के बीच का घर्षण गुणांक कितना है म्यू है तो विराम आने से पूर्व तय की गई दूरी अभी फॉर्मूला बताया था एस बराबर पी स्केर बटे में टू म्यू जी इन टू एम स्केर ये जस्ट अभी फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था आपके सामने तो ये फॉर्मूला कौन सा आएगा इसके अंदर तो पी स्केयर बटे में टू म्यू जी एम स्केर इसका जो है डी ऑप्शन अपने पास राइट आंसर रहेगा तो इसका जो राइट right ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा डी ऑप्शन आएगा तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा पच्चीस तो पच्चीस नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया चलिए किसी रोलर को खींचने की बजाय धकेलना आसान होता है तो किसी रोलर को खींचने के बजाय धकेलना आसान होता है यानी कि खींचना तो ये कह रहा है टफ है धकेलना आसान है आपको क्या लगता है ये बात सही है या जो है इसकी बात गलत है तो किसी रोलर को खींचने की बजाय धकेलना आसान है तो ये कह रहा है कि धक्का देना तो आसान है खींचना जो है वो इजी है तो ये जो कथन है देखो किसी भी वस्तु को धक्का देने की बजाय खींचना ज़्यादा इजी होता है धकेलना मुश्किल होता है जबकि खींचना जो है वो किसी भी वस्तु को इजी रहता है तो ये कह रहा है ये हमारी बात से उल्टा चल रहा है कहता धकेलना ज़्यादा आसान है तो धकेलना ज़्यादा आसान की बजाय हमारे पास जो है खींचना ज्यादा आसान होता है इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा रहेगा असत्य कथन रहेगा ठीक है सही कथन इसका नहीं है क्योंकि सही कथन के रूप में क्या हो सकता है कि खींचना आसान है धकेलना क्या रहेगा मुश्किल रहेगा तो इसका जो सही ऑप्शन बता रहे हैं जो असत्य है तो कई बच्चे इसका ऑप्शन ए बता रहे हैं राहुल सैनी ए ऑप्शन बता रहा है जीतू कुमार ए ऑप्शन बता रहा है प्रकाश बुर्डक ए ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन है ठीक शुभम सिंह बी ऑप्शन बता रहे हैं तो बेटा करण नहीं बी ऑप्शन नहीं आएगा ए ऑप्शन नहीं आएगा तो यहां पर ये कथन असत्य है क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पांच किलोग्राम द्रव्यमान का एक लोक का टुकड़ा ट्रोली पर रखा है ट्रोली को पांच मीटर पर सेकंड के स्केयर के त्वरण से धकेला जाता है तो गुटके की ट्रॉली के सतह घर्षण बल का मान क्या होगा तो घर्षण गुणांक का मान कितना दे रखा है पॉइंट पॉइंट uh, आठ जो है न्यूटन दे रखा है तो हमें इसके लिए गर्षन बल का बारे में पूछा गया है तो देखिए में, में ले ले चलो गाड़ी लेके चलते हैं ये इधर जा रही है इस तरफ जा रही है पांच मीटर प्रति सेकंड स्केर के धोर से अगर मैं इसके ऊपर कोई ब्लॉक को रख देता हूं ये देखिए तो इस ब्लॉक पर पीछे की ओर बल लगेगा इस बल की जो आगे जा रहा है तो झटका पीछे की ओर बढ़ेगा एफ बराबर अच्छा द्रव्यमान पांच, पांच मीटर पर सेकंड से, से जा रहा है। पांच इन टू पांच तो एफ बराबर कितना आ गया पच्चीस न्यूटन पीछे की ओर झटका बढ़ रहा है ठीक है अगर ये पच्चीस न्यूटन है अब अपने को ये पता करना है जी, ये तो जी बॉक्स फिसल जाएगा हमें यह पता करना जब यह फिसलेगा तो इस तरफ लगेगा घर्षण बल जो इसे रोकने की कोशिश करेगा अगर घर्षण बल कम हुआ इस बल से तो ब्लॉक पीछे फिसल जाएगा लेकिन अगर घर्षण बल ज्यादा हुआ तो हम चेक करते हैं इसका जो नीचे की ओर है एम जी और प्रतिक्रिया बल आर यह सीमांत घर्षण बल है सीमांत चेक करते हैं ए बराबर क्या होता है म्यू और बराबर म्यू का मान कितना दे रखे पॉइंट आठ पॉइंट आठ इंटू आर का मान किसके बराबर होता है एम जी एफ बराबर पॉइंट आठ इंटू एम का मान पांच इंटू जी का मान दस तो एफ बराबर कितना आ गया चालीस न्यूटन तो सीधी सीधी बात है कि इसका सीमांत घर्षण बल ये है चालीस न्यूटन ये चालीस न्यूटन तक हिलेगा नहीं लेकिन स्थैतिक घर्षण बल की एक और क्वालिटी होती है कि यह बल होता है अगर कोई वस्तु का इसकी क्षमता कितनी है चालीस न्यूटन तक रोक के रखने की क्षमता है उस ब्लॉक को लेकिन वो चालीस न्यूटन लगाएगा नहीं वो ये देखेगा कि आपने कितना लगाया उतना ही लगाएगा वो आपने दो न्यूटन लगाया तो ये दो लगाएगा आपने दस न्यूटन लगाया तो ये दस लगाएगा आपने पचास न्यूटन लगाया तो ये फिसल जाएगा क्योंकि ये चालीस की क्षमता है लेकिन आपने जो लगाया गया बल है वो इसकी सीमांत की से कम है इसलिए वस्तु को विराम रखने के लिए 40 न्यूटन लगा सकता है लेकिन आपका 25 न्यूटन है तो विराम में बनाए रखने के लिए कितने न्यूटन की आवश्यकता होगी यहां पर 25 न्यूटन की आवश्यकता होगी यह बल 25 न्यूटन है तो यहां 25 है बाई चांस इसका आंसर तीस न्यूटन आता तो ये भी कितना होता है तीस न्यूटन बाई चांस इसका आंसर इधर पैंतीस न्यूटन होता तो ये आंसर भी क्या होता है पैंतीस चालीस तक जो है वस्तु को विराम रखने के लिए बाया बल के बराबर ही विपरीत बल लगेगा तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो 25 न्यूटन है तो लगाया गया बल भी कितना होगा यहां पर 25 न्यूटन ही रहेगा तो इस जो है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आपका ऑप्शन बच्चों के सही आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 एक ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कोणीय वेग जो अपने डिस्क होती थी पहले ग्रामोफोन बड़े बड़े चलते थे ऐसे प्लेट सी होती थी और प्लेट जगह पर घूमती रहती थी तो कोणीय वेग क्या है उमेगा से घूम रहा एक एक है और ये कोणीय वेग उमेगा से अपनी जगह पर घूम रहा है इसके केंद्र से आर दूरी पर एक सिक्का रखा हुआ है यहां एक मैंने सिक्का रख दिया सिक्के का वजन किधर रहेगा नीचे की ओर एम जी प्रतिक्रिया बल किधर रहेगी आर की और ऊपर की ओर घर्षण गुणांक ये है तो रिकॉर्ड के साथ साथ घूमेगा तो घूमता रहना चाहिए देखिए जब ये सिक्का घूमेगा तो इसकी गति के कारण बाहर की ओर क्या लगेगा अपकेंद्रीय बल लगेगा जिसको रोकने के लिए अंदर की ओर घर्षण बल जो है वो इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा घर्षण बल अभिकेंद्रीय प्रदान करेगा और जो घर्षण बल का मान है ये सदैव ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए बाहर की ओर लगने वाले बल यानी कि एम ओमेगा आर से हमेशा ज्यादा रहना चाहिए तो ही उसको रोक के रखेगा अगर घर्षण बल कम पड़ गया वस्तु तो बाहर निकल जाएगी फिर तो उसको रोक के रखने के लिए जरूरी क्या है कि इसका मान क्या होना चाहिए एफ का मान ज्यादा होना चाहिए तो म्यू आर इज ग्रेटर देन एम ओमेगा स्केयर आर अच्छा म्यू आर को क्या लिखा जा सकता है एम जी ग्रेटर देन एम ओमेगा स्केयर आर एम से एम कैंसिल आउट हो गया तो फिर म्यू जी ग्रेटर देन ओमेगा स्केयर आर तो हमें ग्रेटर देन इक्वल या फिर आर चाहिए अपने को तो या म्यू जी अपॉन ओमेगा ग्रेटर इक्वल किससे है आर आर से से तो ये आर से मान रहेंगे बड़े रहेंगे ठीक है तो, तो अपने पास इस प्रश्न का उत्तर जो है आप दे रहे हैं कई लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं तो देखिए आर जो है वो लेस देन है म्यूजी अपॉन ओमेगा स्क्वायर से तो लेस देन ये तो आर ग्रेटर देन है तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा तो आप इसको ऑप्शन को जरा चेक कर लीजिए अगर मैं इसको सही करके लिखूं तो आर लेस देन क्या है म्यूजी अपॉन ओमेगा स्क्वायर है ठीक है तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा आएगा डी आएगा तो कई बच्चे इसके लिए जो है करण सिंह ए ऑप्शन बता रहे हैं प्रकाश ए ऑप्शन बता रहे नहीं बेटा ए ऑप्शन नहीं आ रहा इसका ए ऑप्शन कौन सा आएगा इसका डी ऑप्शन आ पर एक मीटर तक फिसलता है घर्षण गुणांग दो है तो किया गया कार्य पूछा है, है। देखिए हमें एक तो दे दिया घर्षण गुणांग दो। अच्छा एक हमें डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दे रखा है एक मीटर हमें पूछा गया अच्छा द्रव्यमान भी दे रखा है कितना पचास किलोग्राम हमें पूछा गया है कितना कार्य करना पड़ेगा देखिए सबसे पहले तो कार्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं बल गुणा विस्थापन अच्छा कार्य को अपने लिखा जा सकता है इन टू एस। लेकिन जब घर्षण वाली सतह होती है ठीक है तो घर्षण गुणा क्या लिख रहे हैं कि वाई ग्रुप के लिए नहीं बेटा वाई ग्रुप इसके बाद शुरू हो जाएगा ये एक्स ग्रुप के लिए बात कर रहा हूं तो जो एम ए घर्षण वाली सतह के लिए ए बराबर होता है म्यू जी के बराबर क्षति सतह के लिए ए बराबर एम म्यू जी इन एस अब बात करते हैं अपने अब उसने अपने को वर्क पूछा है डब्ल्यू बराबर एम का मान कितना दे रखा है पचास इन म्यू का मान कितना दे रखा है पॉइंट दो जी का मान अच्छा इसने बोला है कुछ अच्छा नाइन एट और ये ऐसा होता है तो चलिए 9.8 इंटू विस्थापन कितना करा है एक चेक करते हैं अपने पॉइंट हटा देते हैं तो W बराबर पॉइंट हटाएगा तो ये 10 और ये आ गया अठानवे जूल तो इससे किया गया कार्य जो है अपना अठानवे बजरंग लाल स्वामी ने इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है तो और कौन से है बजरंग लाल ने दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन दिया है बाकी ऑप्शन भी जो है फटाफट दो क्या आ रहे हैं अपने प्रकाश बुडक ने इसका ए ऑप्शन दिया ठीक है अगर किसी ट्रक के शैती तल घर्षण गुणांक पॉइंट सिक्स है एक किलोग्राम का एक गुटका रखा गया है ट्रक पांच मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित हो रहा है तो गुटके पर लगने वाला घर्षण बल क्या है देखिए गुटके वाला वाला वही ट्रक क्वेश्चन क्वेश्चन अभी अभी मैं बात बात कर रहा था था ऐसा ऐसा ही अभी बात किया था। जब अपने ऐसा है तो सबसे पहले तो ये देखो कि गुटके पर बल कितना लग रहा है घर्षण बल कितना है यह आपका ब्लॉक है ट्रक पर रख दिया मैंने ट्रक आगे की ओर किस रफ्तार से जा रहा है पांच मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है बल आगे लगेगा तो झटका पीछे की ओर लगेगा इसकी प्रतिक्रिया के कारण पीछे की ओर लगेगा बल एफ बराबर एम ए एफ बराबर अच्छा कितना कितना द्रव्यमान है इसका किलो एमान पांच, तो पांच न्यूटन अब इस ब्लॉक को पीछे की ओर खींचा जा रहा है पांच न्यूटन से ठीक है अब चेक करते हैं इसका जो सीमांत कितना है अगर यह बल सीमांत से ज्यादा हुआ तो ब्लॉक फिसल जाएगा सीमांत चेक कर लो पहले ए बराबर म्यू आर ए बराबर म्यू आर का मान एम जी एफ बराबर म्यू का मान कितना है है इंटू एम का मान एक इंटू जी का मान दस तो एफ बराबर कितना आ गया न्यूटन लो जी ये इसका मतलब ये है कि इसका सीमांत का मतलब निकल गया छह न्यूटन और ये घर्षण बल ये ब्लॉक जो है वो न्यूटन तक अपनी जगह से नहीं हिलेगा अगर आप इसको खिसकाने के लिए एक न्यूटन लगाओगे तो ये एक न्यूटन विपरीत दिशा में लगाएगा अपने आप को विराम रखेगा आप दो न्यूटन लगाओगे तो ये दो न्यूटन लगाएगा तीन न्यूटन लगाओगे ती लगा तीन लगाएगा ती ती लगा चार लगाओगे चार लगाएगा पांच न्यूटन तो लगाओगे तो ये रोकने के लिए पांच न्यूटन क्षमता छह न्यूटन की इसकी रोकने की ये छह न्यूटन तक रोकेगा लेकिन फिलहाल कितने न्यूटन लगाएगा क्योंकि आपने पांच लगाया तो ये पांच लगाएगा आप छह न्यूटन लगाते तो ये भी छह न्यूटन लगाता अगर आप सात न्यूटन लगाते तो ये फिसल जाता तो अभी फिलहाल अपने बात कर रहे हैं तो कितने न्यूटन है छह न्यूटन तक रोक सकता है लेकिन आपने पांच लगाया है ठीक तो तो का है? है? तो है।, है काफी बच्चे इसके लिए जो है ए ऑप्शन बता रहे हैं कोमल कुमावत ए बता रहे हैं करण सिंह बता रहे हैं ए ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल है इस प्रश्न का जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है तो ये आज वाले जो आपके टेस्ट के थे उन क्वेश्चन की अपने डिस्कस करी थी कल आपका जो अगला टेस्ट होगा उसकी फिर अपने डिस्कस करेंगे तब तक के लिए बने रहिए जय हिंद हेलो फ्रेंड्स टेक्निकल इशू आया हुआ है थोड़ा अभी जल्दी से हम लाइव आने वाले हैं टेक्निकल इशू चल रहा है थोड़ा सा देख लीजिएगा आप वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास हेलो फ्रेंड्स जल्दी से लाइव आ जाइएगा वाई ग्रुप के स्टूडेंट्स भी लाइव आ जाइएगा आज अपन अभी इंग्लिश का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं जो पेपर आज आपने टेस्ट दिया था मॉर्निंग में उसका सोल्यूशन करेंगे अपन तो जल्दी से लाइव आ जाइएगा वेरी गुड फ्रेंड्स जल्दी से लाइव आ जाएगा एक्स और वाई ग्रुप बहुत स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आइए और कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए अपन आगे सॉल्व करने जा रहे हैं आज का टेस्ट पेपर तो फ्रेंड्स सबसे पहले लिंक को ज्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके और सेशन से शुरू से लेकर एंडिंग तक आप जुड़े रहें जिससे प्रत्येक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन पेपर जो हमने आपके लिए तैयार किया है वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप दोनों के लिए एयरफोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा तो फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर देखिएगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल बी फॉर्म ऑन वोट हैव यू डिसाइडेड फॉर इंप्लीमेंटेशन नो एरर जल्दी से कमेंट करके बताई दीजिएगा कि यहां आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपको यह करना क्या है प्रेनाउन से संबंधित एरर चूज करना है टॉपिक जो आपका चल रहा था आपने फेबुलस एकेडमी का एप्लीकेशन में देखा होगा कि कौन शिड्यूल के अनुसार जो टेस्ट चल रहा है अपना वो टेस्ट प्रेनाउन के अकॉर्डिंग है ये तो प्रेनाउन का एरर चूज करिएगा कि यहाँ क्या एरर है जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा वेरी गुड चंद्रभूषण ओके सर्वेश शुक्ला बी ऑप्शन बता रहे हैं जितेंद्र सिंह हेलो सर वेरी गुड बेटा जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका आंसर यहां क्या होने वाला है क्वेश्चन को समझिएगा कंसेप्ट समझिएगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दैट की यू विल बी फॉर्म फॉर्म का मतलब क्या होता है डिटरमाइन होना डिटरमाइन डिटरमाइन दृढ़ निश्चय होना दृढ़ता होना फॉर्म ऑन वॉट यू हैव अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा सबसे पहले करना क्या है कि आपका यहां पर प्रेनाउन क्या है प्रेनाउन की कंडीशन देखेंगे तो देखिएगा इट इज या इंट्रोडक्टरी है वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिलेटिव प्रेनाउन के रूप में यूज हुआ है यू विल भी फॉर्म ऑन वॉट डब्लू एच वर्ड भी रिलेटिव प्रेनाउन है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा वॉट यू हाव का प्रयोग समझिएगा कंसेप्ट क्या है यहां अच्छी तरह समझ लीजिएगा वॉट यू हैव और एक कंडीशन दूसरी हमारे पास जो दे रखी है वो कंडीशन है वॉट हैव यू तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा डब्ल्यू एच वर्ड अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन जब आ जाता है उसके बाद में आने वाली हेल्पिंग वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो सेंडेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में चला जाता है और यदि सब्जेक्ट अर्थात नॉमिनेटिव केस आ गया इसका मतलब यहाँ पर डब्लू एच वर्ड जो है वो रिलेटिव प्रेनाउन का काम कर रहा है क्लियर फ्रेंड्स तो इस सेंटेंस में यहाँ पर डब्लू एच वर्ड जो है वो इंटरोगेटिव है इंटरोगेटिव प्रेनाउन है जबकि यहाँ सेंटेंस में वोट यू हैव यहाँ आपका रिलेटिव प्रेनाउन है कौन सा प्रेनाउन है रिलेटिव प्रेनाउन है संबंधवाचक सर्वनाम है जबकि वोट के बाद हैव आया प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ क्लियर फ्रेंड्स तो यहां पर सेंटेंस जो चल रहा है वो इंटरोगेटिव नहीं है सेंटेंस कैसा है है, है। इसलिए वोट पर क्या होगा वोट यू हाउ का प्रयोग किया जाएगा तो एरर कौन से ऑप्शन में हुआ माइडियर्स सी ऑप्शन में आपका क्या है एरर है क्लियर सबने आंसर क्या दिया देखिएगा बजरंग लाल स्वामी सी ऑप्शन बता रहे हैं लालचंद डी ऑप्शन बता रहे हैं सर्वे शुक्ला बी ऑप्शन नहीं यहां पर बी में एरर नहीं है माइडियर्स ध्यान दीजिएगा यहां जो आपका एरर है वो सी ऑप्शन में वोट हैव यू नहीं होगा वोट यू हाउ का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वाक्य रिलेटिव प्रेरणा उनका है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा अनिल वॉज अ पेंटर अनिल क्या था एक पेंटर था होम जिसको वी ओल थॉट जिसको हम सब थॉट का मतलब क्या है सोचना वुड गेट वुड गेट ए कॉन्ट्रेक्ट जिसको क्या होगा एक कॉन्ट्रेक्ट मिलेगा फॉर दैट पेंटिंग उस पेंटिंग के लिए ग्रुप यह में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेनाउन का चलिए देखते हैं क्या इसमें अनिल वॉज ए पेंटर होम रिलेटिव प्रेनाउन है माइडियर्स वी ओल धॉट वुड गेट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट पेंटिंग अब आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका आंसर इसमें क्या होगा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज कमेंट फास्ट आनंद शर्मा सी ऑप्शन बता रहे हैं जल्दी कमेंट करेगा कि यहाँ आपका आंसर क्या होगा मुझे पता चलना चाहिए कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं फ्रेंड्स में आपको यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि यहाँ एरर है तो क्यों है उसका रीजन क्या है देखिएगा फ्रेंड्स अनिल वॉज ए पेंटर अनिल एक पेंटर था या होम का प्रयोग आया है समझना फ्रेंड्स होम किसके लिए आता है ऑब्जेक्ट के लिए आता है किसके लिए ऑब्जेक्टिव केस के लिए होम का प्रयोग किया जाता है और हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है अर्थात नॉमिनेटिव केस में किया जाता है नॉमिनेटिव केस में किया जाता है जब हम होम का प्रयोग करेंगे इसका मतलब है कर्म के लिए काम में ले रहे हैं और कर्म कोई व्यक्ति होना चाहिए हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए कर्ता कारक के रूप में किया जाता है अब यहां सेंटेंस पे चलते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है अनिल वॉज ए पेंटर अनिल एक पेंटर था क्लियर वी होम वी जिसको हम ऑल थॉट जिसको हम सब सोचते हैं ध्यान देना फ्रेंड्स या हुम और हु की कंडीशन क्या है अगर हम हु का प्रयोग करते हैं तो हु के बाद में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ जाती है रिलेटिव प्रेनाउन के रूप में और यदि हम होम का प्रयोग करते हैं तो होम की कंडीशन में क्या होगा यहां पर कोई नाउन आएगी संज्ञा की संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो यहां देखिए होम वी थॉट बिल्कुल राइट है लेकिन ध्यान दीजिए फ्रेंड्स यहां एक प्रेपोजिशनल एरर है समझना कंसेप्ट को इस सेंटेंस में एक प्रेपोजिशनल एरर है अर्थात एक का एरर है यदि इस सेंटेंस में होम से पहले मैं अबाउट लगा दू समझना यदि हम अबाउट का प्रयोग कर लें तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाता है अनिल वाज ए पेंटर होम अर्थात अबाउट होम जिसके बारे में वी ऑल थॉट हम सबने सोचा था जिसके बारे में हम सबने सोचा था क्या वुड गेट ए कॉन्सेक्ट फॉर दैट पेंटिंग उस पेंटिंग के लिए उसको कांटेक्ट होगा क्लियर तो यहां आपका जो आंसर हुआ वो कौन से ऑप्शन में हुआ बी ऑप्शन में आपका एरर था क्लियर परमेश्वर जाकर बी ऑप्शन बता रहे हैं सोनूपाल सी ऑप्शन गुंजन सैनी गुड जय राजपूत बी ऑप्शन बता रहे हैं वेरी गुड फ्रेंड्स आप प्रत्येक कंसेप्ट को समझते जाइएगा यहां एरर क्यों हुआ देखिए होम के बाद ऑब्जेक्ट आया है होम और उसके बाद में वी वी सब्जेक्टिव केस है होम का प्रयोग डायरेक्टली नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात हो रही है ऑब्जेक्ट की बात नहीं चल रही माइडियस इसलिए यहां पर अबाउट होम का प्रयोग किया जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम नो एरर जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहां आपका आंसर क्या होगा समझ लीजिएगा फ्रेंड्स सबसे पहले हम हु की बात करते हैं हु क्या है हु हमारा एक नॉमिनेटिव केस है कौन सा केस है नॉमिनेटिव केस है और ध्यान दीजिएगा जब कभी रिलेटिव प्रेनाउन के रूप में यूज करते हैं किसके रूप में रिलेटिव प्रेनाउन के रूप में संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में जब हम संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में यूज करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम तो संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में जब हु का प्रयोग करेंगे तो कंडीशन ये है कि हु से पहले हु से पहले क्या होगा नाउन या प्रेनाउन होगा और हु के बाद में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब और वाव आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ कंडीशन देखिएगा हु ऑफ हु अपने आप में क्या है सब्जेक्टिव केस है ध्यान देना इसलिए हु का प्रयोग होगा या नहीं होगा जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहां आपका आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा यहां पर लालचंद सर डिटेल में बताइए सर इसमें क्या करना होता है यहां बेटा देखिए करना क्या है कि आपको एरर चूज करना है एरर कैसे निकालेंगे आपको प्रेनाउन का एरर चूज करना है यहां प्रेनाउन क्या है हु एक रिलेटिव प्रेनाउन है ये इस सेंटेंस में सही है या गलत है आपको इसको कैसे एनालिसिस करना है कैसे पता लगाना है ध्यान दीजिएगा हु का जो प्रयोग किया गया उसके बाद ऑफ आया है जब भी हम किसी चीज का सिलेक्शन करते हैं चुनाव करते हैं जब हम किसी चीज़ को चुनते हैं ध्यान देना बेटा यहां पर देखिए में जो एरर है वो कैसे जब हम किसी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं जब किसी चीज़ का चॉइस करते हैं चुनते हैं तो चॉइस करने में और सिलेक्शन करने में किसी चीज़ की चॉइस करने में और किसी चीज़ का सिलेक्शन करने में विच का प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग होता है माइडियर्स विच का प्रयोग होता है और विच का प्रयोग वस्तु की विशेषता बताने के लिए भी किया जाता है विच ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग कौन से दो अर्थात जब हम संख्या में से चुन रहे हैं लोगों में से चुनाव कर रहे हैं सिलेक्शन कर रहे हैं कि कितने में से तो ध्यान दीजिएगा विच ऑफ द टू दो में से इज ज्वाइनिंग द टीम टीम को ज्वाइन करें कौन से दो व्यक्ति हैं जो टीम को ज्वाइन कर रहे हैं यदि आपने हु लगाया है तो हु का अर्थ होता है कौन कर रहा है और कौन से दो अर्थात एडजेक्टिव फॉर्म पूछी जा रही है तो यहां विच का प्रयोग किया जाएगा हु का प्रयोग नहीं होगा माइडियर्स तो ए ऑप्शन में आपके यहां पर एरर हुआ क्लियर कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको समझ में आ गया वेरी गुड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही आस्ट वाई यूर फादर हैड लोस्ट हिज टेम्पर नो एर बेटा बता दीजिएगा यहां आपका आंसर क्या होगा आई एम वैचिंग फॉर योर आंसर जल्दी कमेंट करेगा सर्वेश शुक्ला ए ऑप्शन बता रहे हैं आनंद शर्मा ए ऑप्शन सौरभ यादव सर पी मिलेगी हाँ बेटा इसमें पी भी मिलेगी आपको आप टेस्ट देवें और सेशन को शुरू से लेकर एंडिंग तक आप देखें और जुड़े रहे हैं सेशन से जिससे आपको प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैं यहां बताऊंगा क्लियर आकाश सिंगल जी सर वेरी गुड बजरंग लाल स्वामी बी ऑप्शन बता रहे हैं फ्रेंड्स समझिएगा यहां आपका आंसर क्या होगा जो कंसेप्ट आपने यूज किया है वो राइट है या नहीं आस्ट उसने पूछा वाई your father ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स यहां पर your father हमारे पास प्रनाउन आया है पजेसिव संबंध वाचक सर्वनाम फादर तुम्हारे पिताजी हैड लॉस्ट हिज टेंपर हैड लॉस्ट तुम्हारे पिताजी ने अपना टेंपर अर्थात अपना आपा खो दिया गुस्सा हो गए तो ध्यान रखना बेटा यह टेंपर जो शब, शब्द का प्रयोग हुआ है इसका मतलब होता है आपा खो देना या गुस्से में आना आपा खोना या गुस्से में आना क्लियर तो ध्यान दीजिएगा यूर फादर और यहां पजिटिव कौन है हिज है सेंटेंस में दिया है यूवर फादर और इसी सेंटेंस में आगे दिया है टेंपो. तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य को बदलेंगे तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है क्लियर तो ध्यान दीजिएगा लॉस्ट हिज हिस्सा उसके पिताजी ने अपना आपा क्यों खोया क्लियर प्रश्न क्या है यहां पर यूवर नहीं आएगा डियर्स यहां आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा हिज का प्रयोग किया जाएगा हिज का प्रयोग होगा वाई हिज फादर हैड लॉस्ट हिज टेम्पर उसके पिताजी ने अपना आपा क्यों खोया कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर एबसेंटेड themselves from the office no error जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहां आपका आंसर क्या होगा हाँ बेटा यहां क्या है आज चैलेंज किस पर लगा था किस बात का चैलेंज बेटा अशोक स्वामी गेमिंग किस बात के लिए पूछना चाह रहे हैं अपना क्वेश्चन राइट right लिखे बेटा आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं देखिएगा द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर एबसेंटेड यहां आपका प्रेनाउन का जो एरर है वो क्या होगा कंसेप्ट समझ लीजिएगा द प्रिंसिपल एज वेल एज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स यदि सेंटेंस में एज वेल एज दिया हुआ हो तो इससे पहले जो नाउन है और उसके बाद में भी नाउन है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है पहले वाले नाउन के अनुसार तो एडजेक्टिव भी जो होगा वो भी किसके अनुसार होगा पहले वाली नाउन के अनुसार होगा इस नाउन के अनुसार तो पहले नाउन क्या आपके पास द द प्रिंसिपल प्रिंसिपल सिंगुलर है थर्ड पर्सन के रूप में है इसलिए द प्रिंसिपल के लिए ही का प्रयोग किया जाता है क्लियर तो यहां देखिएगा द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर एबसेंटेड ध्यान दीजिएगा बेटा एबसेंटेड जो वर्ब है एबसेंटेड शब्द का प्रयोग किया गया इसका आगे आने वाला जो प्रेनाउन होगा वो प्रेनाउन कैसा होगा होगा कौन सा प्रेनाउन होगा रेफ्लेक्सिव प्रेनाउन यहां देखिएगा एबसेंट डैमसेल्स डैमसेल्स का प्रयोग कब होता है जब दिया गया सब्जेक्ट प्लुरल हो यहां दिया गया सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए इसलिएल्स का प्रयोग नहीं होगा यहां पर हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर परल्स का प्रयोग नहीं होगा यदि आपका सब्जेक्ट यहां प्लुरल होता तो हम यहां पर डैमसेल्स कर देते क्लियर कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है बेटा सर आज कितने क्वेश्चन को चैलेंज करके सर बेटा देखिए आज के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है द कैंडिडेट वॉज इंटरव्यूड वॉज एंटायरली अनशूटेबल ध्यान दीजिएगा यहां आपका आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट करिएगा कि आपका आंसर क्या होगा द कैंडिडेट अर्थ, अर्थ जो प्रतिभागी जो कैंडिडेट है व्यक्ति वोज ध्यान दीजिएगा इंटरव्यूड पैसिव का सेंटेंस चला गया वोज एंटायरली एंटायर कंप्लीटली एंटायरली कंप्लीटली अर्थात पूरी तरह से कंप्लीटली अनशुटेबल जो अनुपयुक्त है अनशुटेबल अनुपयुक्त होना अब याद देखिएगा पहला ऑप्शन आपको दिया है विच सेकेंड ऑप्शन है हुज थर्ड है हुम फोर्थ ऑप्शन है Who? तो कमेंट करिएगा यहां आपका आंसर क्या होगा नेवी लवर वेयर डिफेंस कह रहे हैं हु होगा एजुकेशन फैक्ट हु विशाल सिंह बता रहे हैं सोनूपाल डी ऑप्शन बता रहे हैं संदीप कुमार डी ऑप्शन वेरी गुड देखिए यहां आपका आंसर क्या होगा सबसे पहले हम बात करते हैं विच का प्रयोग हो सकता है क्या देख कैंडिडेट की बात चल रही है व्यक्ति की बात चल रही है इसलिए विच का प्रयोग नहीं होगा जब हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं उस समय विच का प्रयोग किया जाता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है whose. Whose की कंडीशन क्या होती है जब कर्ता से संबंध बताया जाता है कर्ता से संबंध वाक्य में कैसे पता चलेगा पहले नाउन या प्रोनाउन दे रखी हो और बाद में हुज और उसके बाद भी नाउन या प्रोनाउन ध्यान रखना बेटा अगर हुज से पहले नाउन और हूज के बाद भी नाउन दिया हुआ हो तब हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे कर्ता से संबंध बताने के लिए तो आपका आंसर क्या होगा? देखिएगा अगर मान लीजिए पहले नाउन जो दे रखी है वो नाउन एक पर्सन के रूप में है फ्रेंड्स किसके रूप में पर्सन के रूप में और आगे आपको क्या दिया हुआ हो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दिया हो तो प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है Who का तो यह कैंडिडेट आगे हेल्पिंग वर्ब है इसलिए यहां हु का प्रयोग किया जाएगा डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट आंसर होगा क्लियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा द ओनली पर्सन एकमात्र वह व्यक्ति हु जो कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वैल इज माई फ्रेंड एकमात्र वो व्यक्ति जो इंग्लिश पढ़ सकता है और लिख सकता है अच्छी तरह से इज माई फ्रेंड वो मेरा फ्रेंड है यहां आपका आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहां आपका आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट करिएगा कि आपका आंसर क्या है यहां पर देखिएगा द ओनली पर्सन ध्यान दीजिए बेटा यहां पर क्या है द ओनली पर्सन की बात हो रही है पर्सन के बाद में हु और हु के बाद में क्या आया है केन का प्रयोग हुआ है इसलिए यहां पर सेंटेंस में देखिएगा जब सेंटेंस में ओनली शब्द दिया हो क्या है ओनली दिया हुआ हो ओनली पर्सन तो ध्यान दीजिएगा हु प्रयोग नहीं किया जाएगा किसका प्रयोग किया जाएगा दैट का प्रयोग किया जाएगा क्लियर फ्रेंड्स तो यहां आपका जो एरर हुआ वो कौन से ऑप्शन में एरर है बी ऑप्शन में आपका यहां पर एरर होगा ऑप्शन में एरर नहीं है बी ऑप्शन में हो की जगह का प्रयोग किया जाएगा कंसेप्ट क्लियर हुआ the only शब्द दिया हुआ हो पर्सन के साथ तो का प्रयोग नहीं होता दैट का प्रयोग किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री होने पर भी ध्यान दीजिएगा बेटा सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्य में हमेशा हु के स्थान पर डेट का प्रयोग किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्यों में हु के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाएगा कंसेप्ट क्लियर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही बोट अ हाउस उसने एक घर खरीदा द प्राइस ऑफ विच जिसकी कीमत द प्राइस ऑफ विच जिसकी कीमत अर्थात किसकी जो हाउस खरीदा था उसकी कीमत five lakh rupees, वो फाइव लैक रुपीज वो पांच लाख रुपए थी इसका यहां प्रेनाउन देखिएगा प्रेनाउन क्या क्या है ही नॉमिनेटिव केस है प्रेनाउन है पर्सनल प्रेनाउन है बोट ए हाउस द प्राइस ऑफ विच ध्यान दीजिएगा ऑफ विच यहां विशेषता बता रहा है कौन से घर की कीमत प्राइस ऑफ विच उस घर की कीमत ठीक है जो खरीदा गया था उसकी कीमत क्या है वोज फाइव लैक रुपीज तो फ्रेंड्स यहाँ आपका आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा जल्दी से कमेंट करिएगा यहाँ आपका आंसर क्या होगा बजरंग लाल सी ऑप्शन बता रहे हैं रिजू कुमार सी ऑप्शन मुकुल सैनी सी ऑप्शन अंकित अंता सी ऑप्शन हीराराम डी ऑप्शन मुकुल सैनी सी ऑप्शन देखिए यहां आपका आंसर क्या होगा ऑफ विच यह आपका आंसर क्या है ऑफ हिच बिल्कुल राइट आंसर है बेटा ध्यान देना यहां पर ऑफ हिच में एरर नहीं है बिल्कुल राइट right है यहां पर आपका आंसर होगा डी ऑप्शन ई ऑप्शन अर्थात नो एरर इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है बिल्कुल राइट आंसर है यहां पर क्लियर हुआ फ्रेंड्स यहां कोई एरर नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा? ऑथर हिम्स हिमसेल्स बहुत अच्छा प्रश्न है इजीली आप आंसर दे सकते हैं तो फटाफट -फड़ कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि आपका आंसर यहाँ क्या होगा वेरी इजी क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट का सबसे इजी क्वेश्चन सबसे श्योर sure क्वेश्चन जो है वो कौन सा है यही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें आपका आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट करिएगा द ऑथर हिमसेल्स इज गुड बट नोट हिज फ्रेंड्स नो एरर जल्दी कमेंट करिएगा कि यहां आपका आंसर क्या है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के स्टूडेंट से ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है माइनर चीजें आपके सामने आ रही है देखिएगा द ऑथर सिंगुलर है तो ध्यान दीजिएगा हीस सेल्फ और सेल्स शब्द सेल्फ और सेल्स शब्द का प्रयोग कहां होता है यदि दिया गया प्रेनाउन प्लूरल हो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स दिया गया प्रेनाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो सेल्स जुड़ेगा और सिंगुलर फॉर्म में हो तो सेल्फ जुड़ता है क्लियर फ्रेंड्स तो यहां देखिएगा दी ऑथर सिंगुलर फॉर्म है सिंगुलर फॉर्म के लिए प्रेनाउन जो काम में आएगा वो ही आएगा और ही के साथ सेल्फ जुड़ेगा तो हिमसेल्फ प्रेनाउन बनेगा कौन सा प्रेनाउन बना एम्फेटिक प्रेनाउन कौन सा प्रेनाउन होगा माय डियर्स एम्फेटिक प्रेनाउन तो आपका एरर कौन से ऑप्शन में हुआ ए ऑप्शन में आपका एरर था वेरी गुड सभी ने आंसर दिया है और सबका आंसर बिल्कुल राइट है वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल बेटा आपका आज का सेशन जो अभी हमने ये क्वेश्चन किए इंग्लिश के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब आपके सामने रागा के लिए आ रहे हैं रेवत सर तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे जिससे कि आपको उसका कंक्लूजन मिले और आप एग्जाम में श्योर सक्सेस प्राप्त करें थैंक यू बेस्ट ऑफ लक मिलते हैं कल इसी वक्त बाय सभी आ जाइए ज्वाइन कीजिए हेलो हेलो फ्रेंड्स ठीक है आ गए सभी राम राम मेरे भाई राम राम शोभा सिंह सर जय हिंद भाई जय हिंद ओके करें स्टार्ट आ गए हैं सभी चलो ठीक है शुरू करते हैं भाई अभी तो आया हूं मैं बाय कैसे कर रहा है हाँ अच्छा इंग्लिश वाले सर को बाय कर रहा है गुड इवनिंग मेरे भाई लालचंद गुड इवनिंग ठीक है चलो शुरू करते हैं किसी वस्तु को 20 प्रतिशत के लाभ पर बेचने से उसे 20 प्रतिशत की हानि पर बेचने की तुलना में साठ रुपये अधिक प्राप्त होते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा तो बहुत शानदार सवाल है आप इस सवाल को नमस्ते गुरुजी अंकित हांतरा बोल रहे हैं नमस्ते थे नमस्ते भाई नमस्ते जितेंद्र बोल रहे राम राम सभी को नमस्कार गुड मॉर्निंग जो भी आप ठीक है कह रहे हैं विकास यादव मी टू मेरे भाई ठीक है चलो शुरू करते हैं तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान सा दिया गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के घबराने की जरूरत नहीं है देखो मैथ के क्वेश्चन दिखने में लंबे हो सकते हैं पर सोल्व करने में बहुत इजी होते हैं तो सोल्व करने के लिए थोड़ा सा मेथड यूज करते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं देखो आपको कहा गया कि किसी वस्तु को बीस प्रतिशत की लाभ पर बेचने से यदि मैं क्रय मूल्य को 100 मानता हूं 20 प्रतिशत का लाभ लेता हूँ तो 120 में बिक जाएगा ठीक है 120 में बिक जाएगा ठीक है हाँ स्टार्ट कर दिया है मैंने उषा सिंह स्टार्ट कर दिया है अंकित स्टार्ट कर दिया मेरे भाई ठीक है देखो 20 परसेंट के लाभ पर आप बेच रहे हैं तो 100 अगर क्रय मूल्य मानता हूं 20 प्रतिशत का लाभ लेता हूं तो 120 में बिक जाएगा ठीक है फिर क्या है बीस परसेंट की हानि पर बेचें बीस परसेंट की हानि देखो सो कर मूल्य माना बीस प्रतिशत की हानी होती है तो क्या अस्सी में बिक जाएगा क्या अस्सी में बिक जाएगा देखो एक बीस की जगह कितने में बेच दिया मैंने अस्सी में तो कम कितना कर दिया चालीस कम कर दिया क्या 120 की जगह 80 में बेच दिया तो 40 कम कर दिया क्या यदि ऐसा कर रहा हूं तो देखो क्या मिल रहा है साठ रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं 20 परसेंट लाभ की जगह 20 परसेंट हानि में बेचने से साठ रुपए अधिक नहीं यहां कम प्राप्त होते हैं ये अधिक नहीं आएगा यहां कम आएगा ठीक है साठ रुपए कम प्राप्त होते हैं किसी वस्तु को 20 परसेंट लाभ पर बेचने से उसे 20 परसेंट की हानि पर बेचने की तुलना में साठ रुपए कम प्राप्त होते हैं तो एक बात बताइए आप 120 की जगह 80 मिल रहा है तो कितने कम हो रहे हैं चालीस यानी जो आपके पास साठ रुपए है वो क्या चालीस के बराबर है क्या असली में साठ है नकली में चालीस है गुणा पता क्या करना है कर मूल्य कितना होगा देखो कितना माना था इसलिए सो कर देते हैं ये सब मैं समझाने के लिए लिखा हूं। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको आप डायरेक्ट कर सकते हैं किसी वस्तु को 20 परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं मतलब 120 उसको 20 परसेंट आनी पर बेचते हैं तो 80 तुलना में साठ रुपए कम प्राप्त होते हैं तो 120 की जगह यानी चालीस कम हो रहे हैं तो चालीस परसेंटेज में कम है वास्तव में साठ कम है तो साठ किसके बराबर हो गया चालीस के और पता क्या करना है करे मूल्य करे मूल्य पता करना है यानी गुना कैसे कर देते हैं सो से बस सोल कर लो इसको आंसर है जीरो से जीरो चार से 125 पच्चीस बार और 25 का छह गुना होता है 150 तो आपका आंसर क्या हो गया है बी 25 का छह गुना 150 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक भाई कह रहे हैं मेरे कि बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाई आपके एयरफोर्स के लेवल के क्वेश्चन हैं ये और मैं मेरी मर्जी से नहीं लिखता हूँ ये क्वेश्चन आपके एक्स वाई ग्रुप के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से उठाए गए क्वेश्चन है ठीक है ये वाई ग्रुप में आए हुए क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं तो हमारी जो टेक्निकल टीम और कंटेंट राइटिंग का काम करती है वो बहुत देख के और क्वेश्चन को तैयार करती है आप ऐसे ही मत समझिए इन सवालों को ये एक निकालना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे एक नहीं निकलता है ठीक है तो ये

कैलकुलेट कर लेते हैं देखो जीरो से जीरो कट गया और 11 से एक सौ को काट देता हूं 100 को साथ में छोड़ देते हैं 100 को मैंने छोड़ दिया और एक सौ को काट लेता हूं 11 से काट रहा हूं 11 से एक बार में 11, आठ से अट्ठासी बन गए तो 11 से आठ बार अट्ठासी तो 18 तो यहां से डबल जीरो यहां से और 10 यहां से 18 के साथ तीन जीरो को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर क्या हो गया आपका सी आंसर हो गया आपका सी ठीक है आंसर हो गया सी फर्स्ट क्लास है कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई आज मान के चलिए आज से ही फर्स्ट क्लास आपकी है तो कोई दिक्कत नहीं मैं पहले दिन ही पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझने में बस थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन uh, सोल्व करते हैं देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25 प्रतिशत की हानि देखो वापस बात करते हैं पच्चीस की हानि का मतलब क्या हो गया पच्चीस हानि करें मूल्य को सो मानता हूं पच्चीस की हानि हुई कितना मिलेगा पिचेत्तर मिलेगा पिछहतर मिलेगा यानी जो पचास आप कह रहे हो ये ये दिया हुआ के के अंदर बराबर हानि पर छह हजार सात सौ पचास में बेच रहे हो तो छह हजार सात सौ पचास पिछहत्तर हो जाएगा क्योंकि करें मूल्य में सो मानता हूं पच्चीस की हानि हो रही है तो सो माइनस पच्चीस से कितना आया पिछहत्तर इसलिए बटा में क्या आ गया है पिचहत्तर गुणा क्या पता करना है यदि पंद्रह प्रतिशत के लाभ पर बेचते हैं पंद्रह प्रतिशत के लाभ पर बेचते हैं देखो सो लाभ ले लूंगा तो सो प्लस पंद्रह एक सौ पंद्रह आपको एक सौ पंद्रह से विक्रय मूल्य कितना होगा बस निकल गया विक्रय मूल्य ठीक है विक्रय मूल्य निकल गया है बस इसको सोल्व कर लीजिए आंसर है ये देखो काटते हैं पच्चीस के पहाड़े से पिछहत्तर कट जाएगा तीन बार छह सौ पिचहत्तर को काट रहा हूं तो पच्चीस से दो बार में पचास पचास के बाद में सत्रह बचेंगे तो पच्चीस के पाड़े से एक सौ पिचहत्तर कटता है चार और तीन सात बार तो ये सत्ताईस बार कट गया यहां तक क्लियर है क्या देखो वापिस बता देता हूं 25 के पाड़े से पिछहत्तर काटा मैंने तीन बार और 25 के पाड़े से सड़सठ छह सौ पिछहतर काट रहा हूं तो 25 से दो बार में 50, 17 बच गया तो एक सौ पिछहतर एक सौ पच्चीस के पाड़े से कटता है सात बार और तीन से 27 को काट देते हैं नौ बार तो इस पूरे का सोल्यूशन हमारे पास किया गया नौ गुणा जीरो तो नब्बे हो गया क्या नौ गुणा जीरो नहीं नौ गुणा दस ठीक है नौ गुणा दस तो ये नब्बे हो गया और एक सौ पंद्रह को गुणा कर देते हैं नब्बे से ठीक है तो जीरो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा नौ गुना पांच पैतालीस में से पांच हासिल के चार हो गए नौ एकम नौ और चार तेरह में से तीन एक हासिल नौ एकम नौ और एक दस यानी आपके पास आंसर आ जाएगा, दस हजार तीन सौ पचास जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिया गया है ठीक है कौन सा समझ में नहीं आया सोप सिंह राठौड़ वापिस एक बार नंबर बता दीजिए कौन से क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहा है गोरखपुर से जयंद बिल्कुल मेरे भाई कुचामन सिटी नागौर से जैिंद ठीक है नागौर से आपको जयंत सोब सिंह आपके ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन की पूछ रहे हैं कौन से क्वेश्चन की पूछ रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताओ मैं आपको वापस रिपीट करके बता दूंगा ठीक है जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक पेन का अंकित मूल्य बारह रुपए दिया गया है इस पर पंद्रह प्रतिशत का एक बटा दिया गया है देखो अंकित मूल्य आपको दिया गया है बारह और इस पर आप दे रहे हैं बटा तो जब भी बटा दिया जाता है तो उसका मतलब है जितना भी उस पर लिखा है उस पर छूट दे रहे हैं उससे कम ले रहे हैं ठीक है तो कम ले रहे हैं तो आप मान लेता हूं कि बारह जो था वो सौ था और इस पर मैं पंद्रह का बटा दे देता हूं तो सो से पंद्रह कम मिलेंगे सो से पंद्रह फोर्टी थ्री बताना है ठीक है मैं याद ध्यान रख लूंगा फोर्टी थ्री बता दूंगा आपको ठीक है तो यहां पर सो से पंद्रह कब मिलेंगे यानी मुझे कितने मिलेंगे पिचासी मिल जाएंगे क्या बारह रुपए अंकित मूल्य था इस पर मैं पंद्रह प्रतिशत का बटा देता हूं तो बटा देने पर मुझे क्या मिलेगा ठीक है तो अगर मान लेता हूं कि सो इसका करें मूल्य अंकित मूल्य सौ रुपए था या सॉरी सौ परसेंट था अंकित मूल्य सौ परसेंट था और इस पर पंद्रह प्रतिशत का बटा दे रहा हूं तो बारह को मैंने सो माना और पंद्रह का बटा देने के बाद मुझे कितना मिलेगा पिचासी तो मिलेगा जो बटा दे दिया वो मिलेगा थोड़ी तो हिस्से को हटा देते हैं तो हमारे पास बचा कितना पिचासी ठीक है, फिर इसने कहा है कि इसके बाद दूसरा बटा दिया अब दूसरा बटा नहीं पता यदि दूसरा बटा नहीं पता है आपको तो फिर क्या आप ये कह सकते हैं कि वो बटा देने के बाद में आपको सो माइनस एक्स मिलेगा क्या सो माइनस एक्स जो भी बटा था नहीं पता है वो सो में से कम हो जाएगा तो जो राशि बचेगी वही तो मिलेगी तो जो बटा है वो हटा देते हैं तो सो में से वो बटा हटाने पर मिला कितना सो माइनस एक्स और प्रतिशत का क्वेश्चन कर रहे हैं आप दोबारा प्रतिशत लगेगा इसलिए बटा में वापस क्या लिख रहा हूं सो और ऐसा करने पर आपको देखो क्या दिया गया जिससे पेन का मूल्य कितना हो जाता है आठ और सोलह पैसे हो जाता है क्या यह समीकरण बना पाए क्या सभी नाम ले प्रदीप सिकरवार नाम लेने से क्या हो जाएगा मेरे भाई प्रदीप सिकरवार नाम ले लिया अब बताओ अब क्या होगा खुश हो गए आप ठीक है प्रदीप सिकरवार नाम ले लिया मैंने ठीक है अब आगे करते हैं फोर्टी थ्री रिपीट कर दूंगा मैं ठीक है देखो बारह आपको दिया गया था अंकित मूल्य मैंने अंकित मूल्य बारह लिखा अंकित मूल्य को हम सो मान रहे हैं इसलिए बटा में सो लिखा फिर आपको कह रहा है कि पंद्रह प्रतिशत का बटा दे दो तो मैंने पंद्रह प्रतिशत का बटा देने पर मिलने वाली राशि निकालनी है मेरे को कितने रुपए मिलेंगे इसलिए मैं पंद्रह प्रतिशत कम कर देता हूं मान लेता हूं सो अंकित मूल्य था पंद्रह कम कर दिया तो बचा हुआ कितना होगा पिच्चा इसलिए मैंने यहां पिच्चा लिखा अब आपको कह रहा है कि एक बटा और लगाओ जो आपको बताया नहीं है जो नहीं बताया है मतलब सो में उसको तो भी तो कम करूंगा और फिर इसी को वापिस सो मानूंगा ठीक है क्योंकि पूरी राशि सो होती है ठीक अब इसके कैलकुलेट करने के बाद में आपको क्या मिल रहा है आठ रुपए और सोलह पैसे तो इसको कैलकुलेट करते हैं देखो क्या दसमलव उठाऊंगा यहां से तो बटा में सो आ जाएगा क्या और इस सो से इस सो को काट दू क्या इस सो से इस सो को काट सकता हूं क्या देखो ऐसा करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या बनती है पांच के पाड़े से काट रहा हूं पांच से पिचासी सत्रह बार पांच से सो कट जाएगा बीस बार चार के पारे से काट रहा हूं बारह तीन बार चार के पाड़े से बीस पांच बार ठीक है अब देखो तीन के पाड़े से वाली वाली संख्या संख्या काट देते हैं ऊपर से बराबर के ऊपर वाली संख्या कट जाती है तो सात बार में इक्कीस और तीन से दो बार में वापिस छह तो आठ सौ सोलह दो सौ बेहतर बार कट गया क्या तीन से इसके बाद में देखो आपके पास सत्रह और सत्रह से और काट देते हैं देखो सत्रह से एक बार में सत्रह दस बच गया तो एक सौ दो सत्रह पांच ठीक है सत्रह पांच पिचासी और सत्रह छह एक सौ दो तो ये कितनी बार कट गया सोलह बार यानी आपके पास यहां से सोल्यूशन क्या बन के आया है यहां से पूरे से देखो ये पूरा साफ है ऊपर से बच गया सो माइनस एक्स बराबर बटा में पांच लिखा हुआ है उसको मैं ले जाता हूं अपोजिट साइड में तो सोलह गुणा पांच अस्सी हो जाएगा क्या सोलह गुणा पांच अस्सी सोलह पंजे अस्सी ठीक है अब सोल कर लेते हैं इसको तो माइनस एक्स उधर ले जाऊंगा माइनस एक्स तो इधर चला गया और अस्सी को इधर ले आऊंगा तो क्या ऐसा लिख सकता हूं तो सो माइनस अस्सी कितना हो गया बीस जो कि एक्स का मान है क्या बीस बराबर एक्स का मान देखो एक्स हमने क्या माना था जो बटा दूसरा दिया गया है तो दूसरे बटे की मात्रा कितनी आ गई है सी यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा

नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपने मेरे को तयलिस नंबर वापस पूछा था एक बार रिपीट कर देता हूं देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु पच्चीस की हानि पर सड़सठ में बेची तो सड़सठ जो आपके पास छह हजार में मिल रहे हैं तो क्या मैं इसको पिछहत्तर कह सकता हूं क्या क्या मैं इसको पिछहत्तर कह सकता हूं क्योंकि पच्चीस हानि के बाद मिले हैं। फिर आपको कह रहा है कि पंद्रह लाभ पर बेचो तो एक से गुणा कर दो क्योंकि करे मूल्य सो मानता हूं पंद्रह ज्यादा मिलेंगे तो एक से कर दिया मेरे भाई इसको सोल्व कर लीजिएगा मैंने सोल्व करवा दिया है आप देख लीजिएगा ठीक है वापस वीडियो को आप बेक जाके और देखेंगे तो क्वेश्चन वापस समझाया हुआ है ठीक है उसको वापस देख लीजिए 20% विल बी राइट आंसर बिल्कुल मेरे भाई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 का साधारण ब्याज ₹1080 हो जाएगा देखो मूलधन दिया है ₹3000 गुणा बात कर मूलधन ले लिया इसके बाद में दर लेंगे फिर लेंगे तो दर आपको दी गई है बारह फिर समय आपको पूछा गया है तो टी और बटा में फॉर्मूले से क्या आ गया सो और बराबर में इसके क्या होता है ब्याज तो बराबर में लिख दिया एक हजार अस्सी ठीक है फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बस ध्यान रखिए पी आर टी बटा सो बराबर ऐसा ही होता है ठीक है मूलधन लिख लिया दर लिख ली समय लिख लिया बटा बटास हजार से देखो कोई भी तरीका अपना लीजिए जितनी कैलकुलेशन इसमें आने वाली है उतनी कैलकुलेशन हर फॉर्मूले के अंदर हर ट्रिक के अंदर आने वाली है इससे कम कैलकुलेशन नहीं होगी वो बात अलग है कि कुछ कैलकुलेशन आप माइंडली कर लेते हैं तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा जैसे देखो मैं भी बताता हूं आपको तीन का बारह निकाल लो तीन का बारह देखो बारह प्रतिशत का दस तो होता है तीन ठीक दस परसेंट होता है तीन सौ और एक प्रतिशत होता है तीस 30, तो तीन सौ प्लस साठ हो जाएगा तीस एक परसेंट है तो दो परसेंट तीन सो प्लस साठ तीन सौ साठ हो गया आपका एक साल का ब्याज और आपको एक हजार अस्सी ब्याज लेना है तो तीन सौ साठ का भाग दे देते हैं ये डायरेक्टली आंसर क्या आ गया तीन खत्म क्वेश्चन ठीक है डायरेक्ट कर सकते हैं पर इतना कैलकुलेशन तो वही हुई ना मैंने यहां पर डायरेक्ट कर दिया बस कॉमन सेंस लगा रहा हूं। अब आप इस लेवल पे अभी तक है नहीं तो थोड़ा सा यहां पे तो, निकाल रहे हैं तो ये तीन हजार का बारह प्रतिशत निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी तो वो कैलकुलेशन अपन दिमाग से करते हैं या लिख के करते हैं वो आपकी मर्जी पर है ठीक है तो तीन का बारह देख लो डबल जीरो से डबल जीरो बारह गुणा तीन छत्तीस सात में ये वाला जीरो तो तीन सौ साठ तो यहां से मिला अब तीन सौ साठ का इधर ले जाके भाग दे दूंगा तो एक हजार अस्सी बटा तीन सौ साठ वही तो आ रहा है तो इसी को नाम दे दूंगा मैं ट्रिक तो ये ट्रिक थोड़ी हो गई मेरे भाई ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं है आप जो फॉर्मेट होता है उसी पे कैलकुलेट करते हैं बस क्या होता है कि हमें बता दिया जाता है कि फास्ट हो गया ठीक है बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कैलकुलेट करिए के आराम से क्वेश्चन को आप लिख के करें तो भी ठीक है बिना लिखे करना चाहे तो वो आपकी, आपकी प्रेजेंट हो है? आप कितना अपने को यूज करते है? उस पर मैंने लिखा ये आपका मूलधन ये आपकी दर गुणा समय बटासो बराबर साधारण ब्याज ये फॉर्मेट काम में लिया फॉर्मेट यही होता है हम रेगुलर यही पढ़ रहे हैं ठीक है देखो डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया एक जीरो यहां से एक जीरो यहां का काट दिया ठीक है अब इसके बाद में आप इनको गुणा करें और फिर भाग दें तो भी आपकी मर्जी है आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं जैसे 12 के पाड़े से 108 कितनी बार कटेगा नो बार और 3 के पारे से नो कितनी बार कटेगा तीन बार तो इधर पूरा आपके पास क्या बचा टी और इधर आपके पास क्या बचा तीन तो टाइम कितना आ गया तीन वर्ष जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो आंसर क्या हो गया है ऑप्शन नंबर ए सेकेंड वाला ट्रिक मस्त है अरे भाई मेरे ट्रिक नहीं है ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है तयालीस नंबर में सो क्यों नहीं माना सो माना ना तभी तो सोल हुआ है कर मूल्य को मैंने सो माना मेरे भाई सोप सिंह कर मूल्य को सो माना है करे मूल्य को सो माना 25 प्रतिशत की हानि हुई इसीलिए बटा में पिछहतर लिखा क्योंकि आपको विक्रय मूल्य दिया गया है 25 प्रतिशत हानि होने के बाद का ठीक है तो हम विक्रम मूल्य के नीचे विक्रमूल्य ही लिख सकते हैं करे मूल्य के नीचे कर मूल्य ही लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर कर मूल्य नहीं लिखना था इसलिए मैंने बटा में सो नहीं लिखा तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी चेंज कर देंगे जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ये था इसलिए बटा में विक्रम मूल्य आया जो पूछा है वही गुणा करूंगा इस वजह से ये आ रहा है माना सो ही है ठीक है आप कंफ्यूज हो गए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, करते हैं

माना, तो तीन सो नहीं आएगा ये क्यों नहीं समझ में आया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बेसिक्स मैं आपको बता नहीं रहा हूं ये मैंने छुपा दिए हैं तो ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं है मेरे भाई आराम से नॉर्मल सॉल्यूशन करिए 200 सौ बटातीस आंसर हो जाएगा आप सोल्व करेंगे यही मिलने वाला है देखो वापस लिख देता हूं आपको साइड में यही लेके आएंगे अभी ठीक है सोल्व करते हैं कोई धन नहीं पता पी तीस वर्ष में समय दिया गया है तीस वर्ष यहां समय लिख लिया फिर क्या कह रहा है दर बतानी है ये दर फॉर्मूले से बटा में सो बराबर क्या आया तिगुना हो रहा है मूलधन अगर पी मान रहा हूं और मिश्रधन तिगुना हो रहा है तो ब्याज तो दो पी रहेगा ना देखो मूलधन को पी माना और मिश्रधन आपके पास तीन पी हो रहा है तो ब्याज दो पी रहा होगा ये ऐसा ही तो इतना ही रहेगा ना तो यहां पर दो पी लिख देता हूं क्योंकि ये ब्याज का फॉर्मूला था ठीक है फटाफट काट लेते हैं देखो पी से पी कट गया अब देखो ये दो सौ से गुणा होगा क्योंकि सो इधर लेके जाओगे तो ये हुआ दो सो और बटा में क्या है तीस तो दो सौ बटा तीस देखो, मैंने आपको यही बता रखा है पर ये शॉर्ट मेथड नहीं है इसी को बोलने का तरीका चेंज कर दिया है बाकी शॉर्ट कुछ नहीं है तो इसको सोल्व कर लेते हैं कि दर कितनी आ जाएगी दो गुणा सो से दो सो और बटा में क्या आ गया तीस जीरो से जीरो को का है, बीस में तीन का भाग दूंगा तो तीन से छह बार में अठारह कितना आया दो और बटा में कितना हो जाएगा तीन तो छह सही दो बटा तीन प्रतिशत हो जाएगा ठीक है सर दूसरा बताइए इसका समझ में नहीं आएगा लालचंद कौन सा वाला दूसरा हो आप ये वाला तरीका दूसरा कह रहे हो या ये वाला तरीका दूसरा कह रहे हो वो मेरे को आप क्लियर करके बताओ ये वाला दूसरा या फिर यह वाला दूसरा ठीक है मेथड वन नाम दे देते हैं बेसिक मेथड और यह हो गया आपका मेथड टू तो आप मेथड वन की बात कर रहे हैं या मेथड टू की बात कर रहे हैं लालचंद ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं छियालीस के बाद में क्वेश्चन नंबर सैतालीस निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से व्यक्त नहीं है देखो यहां पर फिर अपन मिस कर फिर से मिस करने वाले हैं भाजकता के नियमों का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अठारह से विभक्त नहीं है देखो एक कॉमन सेंस लगाना अठारह यानी दो गुणा नो दो गुणा नो ठीक है दो को 9 से गुणा करना है इसका मतलब दो काम आ रहा है यदि दो काम आ रहा है तो इसमें इकाई का अंक क्या है संख्या है अगर संख्या है तो संख्या का जब भी हम पहाड़ा बोलते हैं कोई भी समसंख्या का हम जब भी पाड़ा बोलते हैं तो उसके पाड़े में एक सम संख्या ही इकाई के स्थान पर आ सकती है दूसरा कोई नहीं आ सकता सम संख्या के पहाड़े में इकाई के स्थान पर सिर्फ सम संख्या आ आ सकती है है और और कोई नहीं आ सकता और मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि चौथे ऑप्शन के अंदर इकाई के स्थान पर एक सम संख्या नहीं है यहां पर एक विषम संख्या है इस वजह से आपका आंसर क्या हो गया कि कौन सी ऐसी संख्या है जो अठारह से विभक्त नहीं है यानी आंसर क्या हो गया डी ठीक है डायरेक्टली सोल्यूशन इसके अलावा कुछ नहीं करना था आपको इसके अलावा भी मान लो आप दो के पाड़े से चेक नहीं कर पाते हैं तो आप नो के पाड़े से भी चेक कर सकते हैं नो की भाजकता का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग नो से विभाजित होना चाहिए तो दी गई संख्या के अंकों का योग नौ से विभाजित देखो छीन नौ पांच और चार नो नौ से विभाजित पांच और चार नो छीन नौ नौ से विभाजित पांच चार नौ तीन और छह नौ नौ से विभाजित तो ये सभी तो नौ से विभाजित थी इसलिए आंसर नहीं होगी पर आंसर कौन हो जाएगा छ पैंसठ हजार तैयलीस क्योंकि ये नौ से विभाजित नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सैतालीस के बाद में अड़तालीस नंबर स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या पूर्णतया नौ से भक्त हो देखो अभी हमने 9 का नियम पढ़ा 9 का नियम कहता है दी गई संख्या के अंकों का योग नौ से विभाजित होना चाहिए तो देखो यहां 6 और तीन तो 9 देखो संख्या में वापस लिख देता हूं 6 सात तीन पांच स्टार और एक और आपको बताना है कि स्टार पर क्या आएगा तो देखते हैं देखो छह और तीन नो ये तो बन गए ना तो जो नो बन जाए उसको छोड़ दो उसके बाद में देखते हैं देखो सात और पांच बारह बारह में से नो तो बन गए तीन एक्स्ट्रा है तो तीन स्टार एक पता कर लें तो तीन और एक चार हो गए ये चार हो गए स्टार की जगह में क्या ले सकता हूं एक अंक की कोई संख्या मुझे लेनी है जो नो से विभाजित कर दे तो तीन और एक चार तो है मेरे पास कम कितना पड़ रहा है नो बनने के लिए नो बनने के लिए कितना कम पड़ रहा है नो बनने के लिए कितना कम पड़ रहा है पांच इसलिए आंसर हो गया बी नो no बनने के लिए पांच कम पड़ रहा है इसलिए आंसर क्या हो गया बी ये क्या दिक्कत हो रही है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं क्या मैं फास्ट करवा रहा हूं हाँ ये फोर्टी सिक्स पूछ रहे हैं स्मार्ट क्लासेस हाँ देखो मूलधन पी माना दर आर पता नहीं है ये पता करनी है यहां पर आपको समय दिया गया तीस बटासो बराबर टू पी कहां से आया देखो मूलधन को मैं पी मानता हूं और मिसर्धन आपको मिसर्धन दिया गया है थ्री तीन गुना हो रहा है ना तिगुना इस वजह से ये थ्री पी तो मूलधन से तीन पी और पी से तीन पी हो रहा है तो ब्याज दो पी तो मिलेगा तो ब्याज का फॉर्मूला लगा रहा हूं इसलिए यहां पर क्या आ गया दो पी बस काट लो इनको ठीक है काट लो इनको आंसर हो जाएगा ता, अड़तालीस हो गया उन पचास नंबर दो छात्रों की आयु का अनुपात दिया है इनमें से एक दूसरे से पांच वर्ष बड़ा है देखो पांच वर्ष बड़ा है वास्तव में दिया हुआ है असली का मान ठीक है तो असली में दिख रहा, रहा है वो अनुपात में कितना दिख रहा है तीन और दो में अंतर भाई एक दूसरे से कितना बड़ा है मान लो ये दो है दो से तीन कितना बड़ा है एक ही तो बड़ा है अनुपात में अगर एक ही बड़ा है तो वो हमारे पास पांच के बराबर है और पता है क्या करना है आपको छोटे छात्र की आयु बतानी है छोटे वाला कितना है दो तो गुणा कर देते हैं दो से पांच का दुगुना दस आंसर बस इतना ही तो करना था दस आंसर हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ए बराबर बी का चार बटा पांच देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ए बराबर बी का चार बटा पांच देखो यहां पर जब भी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान देना देखो बी के गुणा में जो संख्या दी गई है की विधि से A के बटा में आ जाएगी क्या यहां से हटा दी है मैंने और चार को यहां बटा में ले हूं। तो आपको संख्या मिलती है ए बटा चार बराबर बी बटा पांच ए बटा चार बराबर बी बटा पांच क्या ए बटा चार बराबर बी बटा पांच यहां तक आप पहुंच पाए हैं तो क्लियर कर लेना कि ए बटा चार बराबर बी बटा पांच का मतलब यह है कि नीचे लिखी गई संख्याएं ही ए और बी का अनुपात है नीचे लिखी गई संख्याएं ही ए और बी का अनुपात है तो मुझे ए और बी का अनुपात मिल गया ऐसे ही मैं क्या बी और सी का अनुपात इससे निकाल सकता हूँ तो देखो हम सोल्व करके देखते हैं कि क्या निकाल पा रहे हैं जैसे आपको दिया गया है बी बराबर सी का पांच बटा दो और मैं इसको यदि सोल्व करता हूँ सेम मेथड लगाता हूं तो जो पांच यहाँ पर गुणा में है वो वज्र गुणा की विधि से क्या बी के बटा में लिखा जाएगा और यहाँ से हट जाएगा तो उसको देखो कैसे लिखेंगे बी बटा पांच बराबर सी बटा दो तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी का मान पांच और सी का मान सॉरी B का अनुपात पांच और C का अनुपात दो है क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यदि आप कहेंगे तो आगे बढ़ जाते हैं बी का मान पांच और सी का मान दो ठीक है अब इसके बाद में आप देखिए बी का जो यहां मान बन रहा है वही मान यहां बन रहा है क्या बी का यदि दोनों जगह समान मान बन रहा है तो हम डायरेक्टली ए बी सी के अनुपात कह सकते हैं यदि बी का दोनों जगह मान समान है एक जैसा है तो हम ए बी सी का अनुपात डायरेक्ट बता सकते हैं अदरवाइज हम अनुपात समानुपात के अनुसार इसको सोल्व करेंगे ठीक है पर यहां पर एक जैसा मिलने की वजह से मैं क्या कह सकता हूं कि ए का अनुपात तो चार है एक मिनट ए का अनुपात तो चार है बी का अनुपात पांच है और सी का अनुपात दो है तो ए बी सी चार पांच और दो के अनुपात में डायरेक्टली कह पा रहा हूँ मैं क्योंकि बी दोनों जगह एक जैसा है यदि बी दोनों जगह एक जैसा है जिससे हम रिलेशन देख रहे हैं बी का ए से रिलेशन है और बी का ही सी से रिलेशन है ये दोनों जगह एक एक जैसा मिल रहा है तो आप डायरेक्टली अनुपात कह सकते हैं इस वजह से ए का चार बी का पाँच और सी का दो मिल गया अब आपको पूछा क्या है ए और सी का अनुपात पूछा है तो ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा देखो ए में तो दिया गया है चार और सी में दिया गया है दो तो चार और दो को अनुपातों में काट देता हूं तो आंसर क्या बन गया दो अनुपात एक क्या समझ में आया आपको ये सवाल दो अनुपात एक जो ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा बी में ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा ठीक है सभी के बी आ रहा है आप सभी तो बहुत होशियार हो गए बहुत बढ़िया ठीक है सभी के भी आ रहा है अच्छा एक बात बताइए आपको ये जो मेथड बता रहा हूं ये समझ में आ रहा है या फिर कोई और तरीका यूज करना चाहते हैं आप लोग मेरे अकॉर्डिंग तो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड पढ़ रहे हैं ज़्यादा कम से कम गणित में याद कर रहे हैं देखो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं उनके अंदर याद करने का भी बहुत कुछ है अब गणित में भी आप याद करोगे तो फिर बाकी मतलब क्या है छोटा सा आपका दिमाग मेरा भी छोटा सा आपका भी छोटा सा दिमाग और उसके अंदर बहुत सारी फालतू चीज़ें अपन डाल रहे हैं क्या मतलब है तो गणित में हम बचा के चलते हैं कम से कम कौन सा क्वेश्चन काइंडली मी ये एक बार वापस कमेंट करके बताएं कमेंट ऊपर चला गया है टेक्निकल टीम कमेंट डाउन करके बताएं मुझे एक कमेंट देखना है टेक्निकल टीम बी गलत है कौन से में गलत है मेरे भाई ए और सी का अनुपात ही तो पूछा है बी सही है समझ में आ रहा है ठीक है सुधीर गौतम कह रहे हैं समझ में आ रहा है ओके चलो ठीक है एक्स uh, और वाई ग्रुप के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उनको ये अगर आपको समझ में आता है यहां से उन लोगों को जो भी आप जानते हैं कि एयरफोर्स की कोई तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन्फॉर्म कर दिया करो अगर आपको समझ में आता है यहां से समझ में आ रहा है सर प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है प्रदीप सिकरवार पचास पचास नंबर क्वेश्चन देखो ए और बी ए बराबर बी का चार बट्टा पांच दिया था देखो सोल्व करते हैं वापस समझो ए बराबर बी का चार बट्टा पांच दिया था अब देखो यहां पर चार गुणा में है जो गुणा में है उसको मैं वज्र गुणा की विधि से ऐसे तिरछा नीचे ले आया तो चार को मैं यहां लिख लेता हूं तो यहां से हट जाएगा ये ठीक है अब ये चार यहां आ गया तो ए बटा चार तो ये बन गया और बी के बटा में पांच तो बी बटा पांच तो ए बटा चार बराबर बी बटा पांच कह सकता हूं ऐसे ही नेक्स्ट रिलेशन दिया है, B बराबर C का पांच बटा दो. तो बी बटा, इधर. इधर तो बटा पांच सी बटा, तो बटा, बटा दो यहां पर एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको मैं कि यदि कंडीशन में समान हो तो ए बी सी हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसलिए का मान मैंने लिया चार बी का मान लिया मैंने पांच और सी का मान मैंने लिया दो तो आपको रिलेशन मिल गया ए चार बी पांच और सी दो अब आपको पूछा गया है कि ए और सी क्या होंगे तो ए का अनुपात तो चार यहां से उठा लिया और सी का अनुपात दो यहां से उठा लिया तो चार अनुपात दो जिसमें दो के पाड़े से काटने पर आपका आंसर बनता है दो अनुपात एक जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ठीक है इंग्लिश की क्लास का टाइम है नौ बजे से साढ़े बजे तक ठीक है इंग्लिश की क्लास का टाइम नौ से साढ़े नौ तो आप लोग थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया करो और लाइक वगैरह कर दिया करो अगर चीजें अच्छी लगती है तो लाइक करनी चाहिए मेरा ये मानना है हाँ अच्छा नहीं लगे तो बात अलग है अगर आपको समझ में आ रहा है आप 252 फिफ्टी टू ल, आ, अभी कनेक्ट हैं मुझसे तो अगर आपको समझ में आ रहा है और आप आगे इन वीडियोस को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी ऐसी ही रेगुलर चलती रहे तो थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करो जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हमारा मन भी करे आपको अच्छे से अच्छा मैटर देने का ठीक है ओके थैंक यू गुड नाइट फिर मिलते हैं हम आ, कल ओके बाय